लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आइए प्रार्थना करते हैं, आमीन। हे भगवान के प्यारे, आइए हम सब मिलकर प्रभु के वचन क्या क्या हैं, आइए सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं, हालेलुया। हमें उनके वचन को सुनते ही रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आकाश में पंछियों को देखो, ये नया रिंगटोन है फादर। ना तो वो कटाई करते हैं, ना बुआई करते हैं, ना कोठरी में अनाज भरते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनका भी पेट भरता है। हेलो, सुनो चंदू, मैं हूँ। हाँ, मैं भी हूँ। आप कौन है मैडम? शिवराम की माँ हूँ। हे भगवान, शिवराम की माँ है? तुम्हें उसके बारे में कोई जानकारी मिली? उसके बारे में लगभग सभी जगहों में पूछताछ कर लिया है, लेकिन वो कहीं नहीं है। प्रार्थना खत्म होने के बाद मैं कुमार नलूर जाके पूछताछ करूंगा। पर वहाँ क्यों? मैंने सुना है कि वहाँ एक आदमी ने बार में तोड़फोड़ किया। मुझे शक है कि कहीं ये वही न हो। हे भगवान, ये पक्का वही है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी ने अकेले बार को नुकसान पहुंचाया है तो ये जरूर हमारा बेटा ही होगा। तो आप वहाँ उस बार में क्यों नहीं जाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने पूरे जीवन में एक बार भी बार में नहीं गया, लेकिन तुम्हारे नालायक बेटे की वजह से पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है मुझे। उसे ऐसे ही रहने दो। इस गांव के लोग मेरा कितना सम्मान करते हैं, इसीलिए उसे छोड़ देते हैं। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा। मैं हर जगह जाकर उसे नहीं बचाऊंगा, लोग उसे मार डालेंगे। उसने मेरा मजाक बना दिया है, नालायक कहीं का। सुनिए ना। May I come in, sir?
फोन उठाओ ना प्लीज, मेरा फोन उठाओ ना, जवाब दो, फोन उठाओ प्लीज। सॉरी सर। हाँ 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 माँ, क्या कुमार नल्लूर? मैंने सुना कि वो वहाँ है, तुम अपनी पुलिस टीम को वहाँ भेजो। हर बार मेरा भाई घर छोड़ करके जाएगा तो उसे हर बार ढूंढने का काम पुलिस का नहीं है। चंदू को बोलिए उसे ढूंढने के लिए। मैंने कहा उसे। हाँ, स्कूटर पर टूटी हालत में वापस लाएगा। हाँ, यहाँ से पूछताछ शुरू करता हूँ। तुम उसके क्या लगते हो? मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन मुझे जानना है कि क्या ये वही आदमी है। अगर ये वही है तो जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे, क्योंकि उसकी फैमिली ने अलग से उसके लिए एक फंड रखा हुआ है। अच्छा, ये लड़ाई कैसे शुरू हुई थी? जब वो अंदर आया था तो मैंने उसे हेलो कहा था, उसने बदले में हेलो तो कहा लेकिन जोर से थप्पड़ मार दिया। ओह गॉड, ये तो उसका प्यार था। जब वो मुझसे मिला था तो मैंने उसे हेलो कहा तो बदले में उसने मुझे थप्पड़ मारा था। ये तो उसकी आदत है। फोन करके देखता हूँ, आसपास ही होगा। आउट ऑफ कवरेज एरिया। स्विच ऑफ तो नहीं है लेकिन रेंज से बाहर है। यहाँ कोई बार है क्या जहाँ मोबाइल का नेटवर्क ना आता हो? बार तो नहीं है लेकिन एक रिसोर्ट है, वहाँ फोन नहीं लगता। और हाँ, अगर वो संयोग से वहाँ गया है तो वो लोग जरूर उसे सीधा कर देंगे। हे भगवान। मेरा नाम वड़कन चेरी वक्का चन है, लेकिन लोग मुझे वक्कन कहते हैं। मैं हूँ बथेरी बाबू, लोग कोला कोली नाम से जानते। मैं पट्टाम्बी रवि हूँ, वांटेड लिस्ट में गुंडा रवि कहते हैं। गुंडों की लिस्ट हो या पुलिस की लिस्ट हो, सब में हमारा नाम रहता है। हाँ। सच कहूँ तो उस लिस्ट में हमेशा टॉप बने रहने के लिए हम आपस में एक कंपटीशन करते हैं। हम तीनों एक साथ पार्टनरशिप में इस होटल को चलाते हैं। हमारी जगह पर जोर से छींकने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। प्लीज मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मैं एक अजीब बीमारी से पीड़ित हूँ। क्योंकि तुमने मुझे बहुत सारी बातें बताई लेकिन फिर भी मुझे डर नहीं लग रहा। भाइयों, इस बात से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मेरा नाम शिवराम है, वकील हूँ, क्रिमिनल लॉयर के नाम से लोग मुझे जानते हैं, वो भी मेरे एक्शन की वजह से। मेरा नाम भी गुंडों की लिस्ट में है। जैसा कि मैं अपकमिंग स्टेज पर हूं इसलिए अभी तक मैं टॉप लिस्ट में नहीं पहुंच पाया हूं। अगर हम इन सारी चीजों पर नजर डालें तो हम चारों एक ही तरह के गुंडे हैं। क्यों ना हम चारों गुंडे एक साथ मिलकर इस 2D बार को चलाएं? तेरी तो कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे, पहले तुम सोच लो कि मैं इसके लायक हूं कि नहीं, उसके बाद ही मुझे अपना पार्टनर बनाना। क्या क्या है? क्या है? क्या क्या बोल क्या? अब आया मजा। क्या बे? क्या कहा? मारो इसे! पकड़ो उसे।
कहाँ है रे, बाहर निकल। कहाँ है तू? आ गया। Hey, sorry, मैं यहाँ पर हूँ। ड्रिंक ब्रेक लिया था मैंने। ओके, एक्शन। ए, सुनो, मेरे घर के पास इसी तरह का सेटअप बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा? तुम एक बार क्यों शुरू करना चाहते हो? हमने 3-स्टार होटल को 4-स्टार होटल में बदलने का सोचा है। सामने से हट ना लंगड़े। अरे लंगड़ा नहीं, चंदू नाम है। कौन है बे? मार रहा है? हेलो। अच्छा तू है? तू यहाँ पर कैसे आया? तेरी तो। अरे नहीं मारो इसे। रुको, छोड़ दो। ये तुम्हारा दोस्त है क्या? ये लोग कौन है? ये लोग मेरे पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स? इन लोगों ने तो मेरा कच्चू बर बना दिया। तुम्हारे कपड़े इन लोगों के जैसे? ये वाला इसका है। ये वेदाकु वक्कन है, ये है कोला कोली और ये है गुंडा रवि। हेलो, आप लोगों से मिलके खुशी हुई। और ये है मेरा दोस्त चंदू। चंदू पीने में माहिर है और ये कमाल का रनर भी है। एक्साइज डिपार्टमेंट इसे कभी नहीं पकड़ पाते हैं, अपने इन लंगड़े पैरों से भाग जाता। चलो भाग चलते हैं। कहाँ? चंदू, मैं इनके साथ पार्टनरशिप में दुकान चला रहा हूँ। तुम इतनी छोटी सी दुकान क्यों चलाना चाहते हो? अरे बाप रे, ये कोई साधारण शराब की दुकान नहीं है। हमारे पास दाढ़ी, ब्रांडी, विस्की, रम सब कुछ अवेलेबल है। ए, सुन बे, ये 3-स्टार होटल है, 3-स्टार। सुन, हमारे पास कैबरे डांसर भी है। हाँ, सुना तुमने? इतनी अच्छी जगह छोड़कर मैं तुम्हारे साथ कैसे आ सकता हूँ? शिवा, चलो चलते हैं। प्लीज प्लीज चलो। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस? अब फैसला हो चुका है, मुझे अभी घर जाना है, इम्पोर्टेंट काम आया है। चल चलते। अरे दोस्त, तुम कल नहीं आओगे? कल जब वो यहाँ पे आएगा ना, तो बोलना कि कम से कम अपने परिवार वालों को इन्फॉर्म कर दे, रिश्तेदारों को इन्फॉर्म कर दे, और घर छोड़ के कभी ना आए। एक छोटी सी सलाह। अरे बाप रे, कितने शर्म की बात है, ये अपना घर छोड़ करके आए थे। ये तो इसकी आदत है, ये अचानक गायब हो जाता है, फिर मुझे इसे हर जगह ढूंढना पड़ता है। अरे नहीं, झूठ बोल रहा है, मैंने घर कभी नहीं छोड़ा। जब मैं गाँव के बार से उब जाता हूँ, तब मैं किसी और बार की तलाश में बाहर निकल आता हूँ, सिर्फ बदलाव के लिए। और ऐसा बदलाव तो कोई भी चाहेगा। ये दो लोग कौन है? ये हेलमेट है। नहीं नहीं, गुड नाइट, बाय बाय बाय। शिवा, हम घर आ गए, अब तो उठ जा। शिवा शिवा, ओ साहब जादे आ गए। हाँ आ गया। ये कोला कोली। कोला कोली क्या है? ये क्या तुम्हें कहीं जंगल में पड़ा हुआ मिला था? नहीं 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 नहीं, इस शराब की दुकान में, जहाँ ये 3 गुंडों के साथ होटल चला रहा था। अरे अरे, धत्तरी की बाबा। वेट करो। ओके सर। लो, मैं शराब नहीं पीता, इसलिए ब्रांड की जानकारी नहीं है, फिर भी मुझे जो मिला तुम्हारी सेवा में हाजिर कर दिया। मारो मारो उसे, मार दो। ये मेरा घर है, इसे अपना बार समझो और यहीं बैठकर पीते रहो, समझ गए? सिर्फ शराब पीना काफी नहीं है, फाइट भी अरेंज कीजिए। उसका भी इंतजाम कर दूंगा, उससे पहले मैं इसको मारूंगा। फिर भी नहीं माना तो मैं कुछ गुंडों को भाड़े पर रखूंगा, वही लोग आकर इसको समझाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये घर पर ही रहे, बाहर ना जाए। पैर से मारो। मैं भी यही चाहता हूँ। मारो। आप आज जल्दी आ गए,
ये क्या है? दो बोतल मिल्क शेक लेकर आया हूँ। मैंने कितनी बार कहा है तगाड़ी की बोतल घर मत लाया करो। जानता हूँ मैं, अगर इसे घर के अंदर नहीं ले जाऊंगा तो वो घर के बाहर चला जाएगा। पता है कल वो बाहर से घर आने को तैयार ही नहीं था। मैंने कहा तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है, आंसू बहा रही है। आप जानते हैं फिर उसने मुझसे क्या कहा? आंसू हमारे कॉर्पोरेशन का पानी नहीं जिसके लिए हमें पैसे भरने होंगे, बिल्कुल मुफ्त है, तो उसे बहने दो। फिर मैंने उसे कहा कि अगर तुम्हारा छोटा भाई पुलिस ऑफिसर बनके शराब के नशे में घूमता रहेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? उसे कहो कहीं जाए और जाकर मर जाए। उसने मुझे ऐसा जवाब दिया। फिर मैंने कहा उससे कि वहाँ नारियल के पेड़ से उतार के ताजा ताड़ी तुम्हारे लिए रखी गई है। क्या कहा तुमने? ये सुनके उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इसी वजह से तो वो मेरे साथ आने को तैयार हुआ था। अब अगर उसे नहीं दूंगा तो ये कानून की नजर में अपराध माना जाएगा ना। सही कहा ना मैंने? ए चंदू आजा, अंदर आजा, यहाँ कोई चेक पोस्ट नहीं है, आजा। जो लाने को बोला था वो लेकर आया। बस उसका नाटक अभी शुरू होने वाला है। हे शिवराम यार, मैं ऐसा क्यों? यही सवाल लोग मुझसे पूछते हैं। तुझे जवाब मिल गया? क्या यही सवाल तेरा भी है? हाँ, अभी रुक, देख वहां ऊपर के कमरे में कोई खड़ा है। वही है। मैं ऐसा क्यों बन गया हूँ उसका सबसे बड़ा कारण वही है। सुधीश नाम्बियार आईपीएस जासूस है, जिसने अपने ही भाई को अपनी जासूसी से पकड़ने की कोशिश की। प्लीज ऐसा मत करो। इस रूम में कोई आदमी है जो मुझे उल्लू की तरह घूर घूर कर देख रहा है। हाँ वहाँ देख, वहाँ। मैं उन्हें रोज देखता हूँ। वो मेरे पिताजी है, अच्छे वाले। मेरे पिताजी। ये बता, तेरे पिताजी मेरे पिताजी की तरह पढ़े लिखे हैं? नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। नाम्बियार सर तो LLB LLM है और मेरे पिताजी ग्रेड 2 तक पढ़े हैं। लेकिन लोग डर से कभी बात ही नहीं करते हैं। क्या तेरे पिताजी ने तेरी इच्छा के खिलाफ जाकर कभी कुछ किया है? नहीं, तो फिर अपने पिता को यहाँ बुला और उस LLB LLM MA नाम्बियार को ट्यूशन देने को कह। ये वही कसाई है जिसने मेरी खुशियों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। ये वही आरोपी है। ए, तुम्हारी माँ रो रही है। अरे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्त, उनसे भी ज्यादा मैं रोया हूँ जब मैं पूरी तरह टूट गया था। लेकिन एक बार भी उन्होंने आकर मुझे देखने की कोशिश नहीं की। तो जानता है चंदू उस रात क्या हुआ था? एक मासूम लड़की को कुछ गुंडों ने बलात्कार करने के बाद जान से मार डाला, और यही लोग उस लड़की की मौत के जिम्मेदार हैं। ये सारे हैं क्रिमिनल्स। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कह रहे हो, हमें सुनना पड़ेगा। ये जो कुछ भी हुआ उसमें गलती हमारी थी, यही कारण है कि तुम खुद को तकलीफ दे रहे हो। देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे वो बुरा समय आया था उसी तरह उसकी भरपाई करने के लिए अच्छा समय भी आएगा। चंदू मेरे जीवन में अब कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। अब और मत पियो। शिवा मेरे पास अब यही एक सहारा है, मैं बस एक एक पल पी पी कर मरना चाहता हूँ। वो अच्छा दिन जो सब कुछ बदल देगा मेरे जीवन में कभी नहीं आने वाला है। ए, क्या हो रहा है? जाओ जाकर अपना काम करो। अरे जाओ ना। अब तक नहीं गया है? ओ अच्छा, ये तो फोन का रिंगटोन है। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं चिदंबरम। कौन चिदंबरम? जो दलाल और दलाल बैंक है वहाँ मैं काम करता हूँ, मैनेजर के रूप में नहीं बल्कि कर्मचारी के रूप में। फोन पार्वती को दो, जल्दी करो। ठीक है मैं देता हूँ। मैं तो मेरे गिरधर के
पार्वती, मुझे विश्वास हो गया कि जिस बात को लेकर हमें शक था, उन्होंने आज ही उसे पूरा करने के लिए प्लान बनाया है। अगर तुम्हारे अंकल वही करते हैं जो वो चाहते हैं, तो अगले साल इसी दिन वो तुम्हारी डेथ एनिवर्सरी का जश्न मना रहे होंगे। फोन पर बहुत बातें हो गई, चलो अब केक काटते हैं। चलो हाँ आओ। बेटा तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? इसे पिता की याद आ रही होगी। उन्होंने अभी तो मुझे कॉल किया था। पापा ने क्या कहा? तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए। उनका मेडिकल चेकअप शुरू हो गया है, 2 हफ्ते में वापस आ जाएंगे। सेट प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस अवसर पर मैं पार्वती को सम्मानित करने के लिए आज पार्वती के फाइनेंसर और बैंकर्स के लीगल एडवाइजर यानी कि मैं थॉमस जैकब का स्वागत करता हूँ। थैंक यू। मैं आपको पार्वती के बारे में बताता हूँ। जैकब एक मिनट प्लीज कम। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक है। वो एक मिनट रुको। प्रवीण, अब यहाँ कैसे आना हुआ? सर, मुझे पार्टी के लिए इनवाइट किया गया था। पार्टी तो चलती रहेगी, लेकिन मैंने तुम्हें हैदराबाद ऑफिस जाने के लिए कहा था ना? मैं तुरंत चला जाऊंगा सर। ठीक है तो फिर जाओ। जाओ। हाँ। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उनका एक मामूली सर्वेंट हूँ। वो जो मुझसे कहेंगे मुझे वो करना ही पड़ेगा। लेकिन पार्वती तुम सावधान रहो। अंदर वो दो बदमाशों को देखा ना, वो दोनों हमारे वसूली वाले हैं। दोनों बड़े क्रिमिनल्स हैं और दोनों ने बहुत सारे मर्डर्स भी किए हैं। प्लीज मुझे किसी तरह बचा लो। कम से कम मेरे पापा के लौटने तक मुझे एक सुरक्षित जगह चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। बिना किसी की जानकारी के क्या तुम यहाँ से निकल सकती हो? लेकिन कब? अभी इसी वक्त गांधी चौक पे हमारे ब्रांच के पास जल्दी आ जाना। ओके। बेटी, मेरी बेटी यहाँ रहेगी तो कोई परेशानी तो नहीं होगी? चिंता मत करिए चाचा जी, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक। चल आ जा। अरे आ ना जल्दी। रुको, दरवाजा खोलो। हेलो, हेलो, दरवाजा खोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमारी विंडो में कुछ खराबी है क्या? हम उसकी हाइट से नीचे कैसे आ गए? प्यारे बच्चों, ये तुम्हारा घर नहीं, पुलिस स्टेशन है। आ, 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 हम यहाँ कैसे आ गए?
तुम दोनों सड़क पे तोड़फोड़ कर रहे थे और लड़ाई कर रहे थे, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आए। हमें तो ये पता ही नहीं था। आपने हमें किस धारा के तहत गिरफ्तार किया? ये सही नहीं है, ये लीगल नहीं है, नहीं है लीगल, नहीं है, नहीं है। बस 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 बस, शुक्र मनाओ कि आपका छोटा भाई एसपी है, फिर कभी पी के गाड़ी मत चलाना। क्या हम गाड़ी चलाने के बाद ड्रिंक कर सकते हैं? चंदू बाइक लेकर आओ, गाड़ी चलाते समय हमें शराब नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, ओके ओके। हे भगवान, हेलो एडवोकेट शिवराम। हाँ? हाँ, पंजीरी बार से। पंजीरी बार का नया ब्रांच ओपन कर रहे हो? हाँ, मैं आऊंगा। अरे जरूर आऊंगा। जिस नंबर पर आप डायल कर रहे हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। यार, सरकार ने शराब पे टैक्स लगा दिया, ये बिल्कुल सही नहीं है। कौन है बदमाश जो सरकार को दोष दे रहा है? हम लोग तो टैक्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे बेवकूफ इंसान, हम लोग टैक्स की बात कर रहे हैं। देखो, इलॉजिकल बातें मत करो, सरकार पूरी तरह से इनोसेंट है। चल भाग यहां से। रुको रुको रुको, शोर मत करो भाई, हम शांति से इस बात को सुलझाते हैं। हेलो हेलो हेलो, प्लीज होल्ड करना, मैं बहुत बड़े खतरे में हूँ। क्या कहा? तुम भी? मैं भी यहाँ बहुत बड़े खतरे में हूँ। फोन पर बात करना बंद करो। अरे हम फोन पर बात करते इंसान को कभी नहीं मारते। नहीं, मैं फोन पे बात करते समय भी मार सकता हूँ। हेलो हेलो, प्लीज, बहुत मुश्किल से ये फोन लगा है। मुश्किल नहीं आएगी तो जीत कैसे हासिल होगी? प्लीज देखो, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। हेलो हेलो हेलो, मुझे नहीं पता आप कौन है और कहाँ है, लेकिन इस वक्त सिर्फ आप ही मेरी जान बचा सकते हैं। अच्छा बताओ, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? उन लोगों ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया है। जरूर तुम पागलों की तरह बिहेव कर रही होगी, इसीलिए तुम्हें कमरे में बंद कर दिया। रुको भाई। तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है, हमें अपने मेन बैंक अकाउंट का पासवर्ड बता। नहीं, नहीं। तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको, यही बंद रहो। इससे भी बुरी हालत कर दूंगा। आधे घंटे का समय दे रहा हूँ पासवर्ड बताने के लिए। गेट लॉस्ट। हेलो हेलो, यस, क्या तुम सच में अभी भी किसी खतरे में हो? कुछ लोगों ने मेरा अपहरण कर लिया है और मुझे किसी कमरे में बंद कर दिया। बंद कर दिया है? जगह कौन सी है? कोची में। अरे मैं भी कोची में हूँ। क्या तुम बाथरूम में हो? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं बाथरूम में हूँ। प्लीज मुझे किसी तरह से बचा लीजिए। अरे बार बार मुझे बचाओ बोलने से अच्छा है कि मुझे ये बताओ कि करना क्या है। क्या तुम्हारी फैमिली को इन्फॉर्म करूँ? नहीं, मेरी फैमिली ही है जो मुझे मारने की कोशिश कर रही है। बढ़िया फैमिली है। तो क्या मैं किसी बार वाले को इन्फॉर्म कर सकता हूँ? बार वाले को? किसी पुलिस स्टेशन में जाकर अपना फोन पुलिस वाले को दे दीजिए। मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। ओके ओके। पुलिस कानून का पालन करो, पालन करो। पुलिस अपना अत्याचार बंद करो। देखिए सब लोग शांत हो जाइए, आप फौरन यहाँ से चले जाइए। यहाँ शोर मत मचाइए। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। सुधीश, बंद करो, सुधीश। पुलिस अपना अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। उठाओ, पुलिस अपना अत्याचार बंद करो। आप लोग यहाँ से चले जाइए। चुप रहो यार सुधीश। अत्याचार बंद करो, शोर मत करिए, शांति से यहाँ से चले जाइए। आप लोग जाइए, बंद करो। नहीं तो मैं पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ेगा। पुलिस अपना अत्याचार बंद करो।
करो, बंद करो, बंद करो। सब लोग चले जाइए। सुधीश, बंद करो, बंद करो। शांति से यहाँ से चले जाइए। बंद करो, बंद करो, बंद करो। चार्ज। भागो, 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 भागो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। हेलो, मैं अभी हिंसक भीड़ में हूँ। लाठी चार्ज हो रही है। अच्छा, अगर तुम्हें कमरे से कुछ आसपास नजर आ रहा है तो बताओ। हेलो, मुझे चर्च के ऊपर एक क्रॉस नजर आ रहा है। हर चर्च के ऊपर एक क्रॉस होता है बेवकूफ। अरे कुछ और बताओ। मुझे एक बोर्ड भी नजर आ रहा है। कौन सा? बार। बार? मुझे बोर्ड का रंग बताओ। पीले बोर्ड पर नीले अक्षर में। क्या बोर्ड पर नीले रंग का बॉर्डर है? हाँ वही। और क्या बोर्ड के एक कोने में घंटी है? हाँ है। हाँ, पैराडाइज बार, पलम पिल्ली नगर। शहर का इकलौता बार जहाँ अच्छी रम मिलती है। पूर्व विधायक श्री शशि जी की बहनोई का बार है वो। अरे वो सब भूल जाओ, तो तुम उसके बगल वाले घर में हो। ओके। क्या लाल नीला पीला इस रंग का घर है? हाँ। क्या? हाँ। ओके। तुम्हारा नाम क्या है? पार्वती। दो दरवाजे हैं, मैं बेल बजाता हूं। तुम्हें सुनाई दिया? हाँ। अच्छा क्या है? मुझे पेशाब करना। क्या? अरे मुझे पेशाब करना है। अरे अंदर कहाँ जा रहा है? कहाँ है पेशाब करना है? मैंने कहा था रुको, कॉल को रोक नहीं सकता। निकलो यहाँ से। यहाँ क्या करना है? जल्दी से बाथरूम जाना होगा। अरे नहीं तो यही कर दूंगा। क्या हुआ? अरे नशे में। क्या चाहिए? मुझे टॉयलेट जाना है। बहुत जोर से टॉयलेट आई है। बाथरूम वहाँ है। ओ बाथरूम वहाँ है। शराबी कहीं का। क्या हुआ? यहाँ नहीं, कोई और बाथरूम में करना है। कोई और बाथरूम में? अरे ये हरा रंग का है। हरा है? मैं हरे रंग के बाथरूम में नहीं जाता, मुझे बहुत सी बातें याद आती हैं। हाँ यहाँ पर कोई और बेडरूम है क्या? बेडरूम? मुझे पेशाब करना है भाई। तू ऐसे नहीं मानेगा, बाहर निकाल। कोई है? कौन है तू? मैं हूं। हेलो हेलो पार्वती। मैं हूं शिवराम। शिवराम उठ जाओ, बाहर निकलो। बाइक पर बैठो, साइड की सीट पर, जल्दी बैठो। ए हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। दरवाजा खोल, गाड़ी का चल चल चल।
तुम्हें जाना कहाँ है? हाँ, अरे कुछ तो बोलो मेरी माँ। हेलो, हेलो, घबराने की बात नहीं, बस एक ड्रिप लगानी होगी। तो सोच क्या रही हैं? अरे लगा दीजिए ना। आपको 280 रुपए देने होंगे। ओके। हे भगवान, 280 रुपए देने हैं ना? हाँ। अरे हाँ, कैश की जगह चेक दे सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, कैश पेमेंट नहीं देंगे तो मैं ड्रिप नहीं लगा पाऊंगी। ओके, कैरी ऑन। आपने 280 ही कहा है ना? हाँ। ओके। $280 देने हैं। ओके डॉक्टर, ये रहे 300 रुपए। ओके। मेरे पास चेंज नहीं है। कोई बात नहीं डॉक्टर, बाकी के भी ड्रिप लगा दीजिए। छे, तुमने उसका नाम क्या बताया था? प्रवीण। हाँ, अच्छा नाम है, लेकिन उसका फोन तो बंद आ रहा है। अब हम आगे क्या करेंगे? ना तुम्हारे परिवार को इन्फॉर्म कर सकते हैं, ना पुलिस को, और जिसे इन्फॉर्म करना है उसका फोन बंद है। अरे कुछ तो बोलो मेरी माँ। मुझे भूख लगी है। क्या कहा? मुझे भूख लगी है। हेलो सेबेस्टियन। यस। अब तुम चेन्नई में काम नहीं करते क्या? मैं वहां से 2 साल पहले ही चला आया, शादी कर ली इसलिए यहाँ रहने के लिए आ गया। कमीना इंसान, कभी कभी मिस कॉल भी कर लिया करो। ओके। जहाँ भी जाता हूँ मेरे दोस्त मिल जाते हैं, यही मेरी असली कमाई है। सेबेस्टियन। ये कौन है? हेलो। हेलो। मुझे पहचाना क्या? हाँ बिल्कुल, मैं उसे जानता हूँ। तुम आओ। अरे रुको, हम बैठेंगे। मेरी बात, मैंने तुम्हें सेबेस्टियन के बारे में बताया था ना? ये वही है, बहुत ही तेज दिमाग का है ये। आओ तुम बैठो, एक नंबर का धोखेबाज भी है। इनसे मिलो, ये मेरी वाइफ एलिस। इसने सोचा कहीं मैं इसकी पुरानी स्टोरी का पोल ना खोल दूं, इसीलिए हमें बता दिया। हमारा ऑर्डर, जब तुमने ऑर्डर किया है तो हम भी यही खा लेंगे। अब तुम अपने लिए ऑर्डर कर दो, चलो खाओ खाओ। तुम्हारी वाइफ क्या वेजिटेरियन है? हाँ, ये वेजिटेरियन है। मैं भी, मतलब हम दोनों भी। चलो खाओ खाओ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल मैं पे करूंगा। इतनी देर बात करने के बाद भी ये मुझे नहीं पहचान सका। जो मुझे याद नहीं करता, जिसने मुझे पहचाना नहीं, उसे मेरे खाने का बिल भरने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, प्लीज ऐसा मत कहो। ठीक है, बताओ कि मैं कौन हूँ, मुझे पहचानते हो कि नहीं? अरे बताओ ना, मेरा नाम क्या है? तुम साबू हो ना? अरे तो आखिर तुमने मुझे पहचान ही लिया। बिल्कुल। ये साबू है। अरे तो ठीक है, बिल ही क्यों, साथ मुझे टिप भी दे देना ये लोग। ठीक है ठीक है, चलो चलते। ये सही नहीं है, बिल तुम भर दो। कॉलेज में हम दोनों ने एक साथ चाय पी थी और मैंने बिल भर दिया था, तो इसने हफ्ते भर तक मुझसे बात नहीं की। बिल तो साबू ही भरेगा। ये लो, अब हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे, है ना? सही है। लेकिन तुमने मुझे अपनी शादी पर इनवाइट नहीं किया। ये किसने कहा? मैंने तो इनविटेशन भेजा था। अरे कब भेजा तुमने मुझे निमंत्रण? मुझे तो मिला ही नहीं, बुरा क्या तुमने? प्लीज नाराज मत हो। ठीक है, साबू नाराज नहीं होगा, तो ये समझो कि शादी का तुमने ट्रीट दिया। लो ये बिल भर दो तुम। अब तो खुश हो ना? ओके। और तुम्हारी वाइफ भी। तुम भी खुश हो ना? अब हम लोग जाते हैं, अपना ख्याल रखना। बाय। साबू। प्लीज उसे फोन दो। ठीक है।
प्रवीण आपसे बात करना चाहता है। थैंक यू मिस्टर एडवोकेट शिवराम। शिवराम जी आपने बहुत मदद की है। आपको थैंक यू कहना काफी तो नहीं होगा। अच्छा इस लड़की को मैं कहाँ पर ड्रॉप करूँ? मैं तो अभी हैदराबाद में हूँ। क्या कहा? हैदराबाद? मैं रात को वापस आऊंगा, तब तक के लिए आप प्लीज उसे खतरे से बचा कर रखिएगा। हेलो, देखो ये मेरा काम नहीं है, मुझे कई बार में प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्लीज ऐसा मत कहिए। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ओके, सिर्फ आज रात के लिए मैं पार्वती को सुरक्षित रखूंगा, तब तक आ जाना। जरूर आना। ओके, आज रात तुम्हारे लिए एक सुरक्षित जगह है। कैबरे। क्या मैंने हर बार तुम लोगों को कैबरे डांस के लिए वार्न नहीं किया? हाँ, किया था सर, लेकिन पता नहीं था कि ये वार्निंग थी। सर ये कैबरे डांसर नहीं है। सर इसने पूरे शरीर को कपड़े से ढक कर रखा है। मैंने कैबरे डांस देखा है, पूरा शरीर ढका हुआ होता है और फिर धीरे धीरे उसके सारे कपड़े उतर जाते हैं। अरे मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, आप कौन है सर? लोग मुझे शिवराम बुलाते हैं। लोग तुम्हें बुला सकते हैं लेकिन मैं नहीं। चलो सर। सर हम लोग निर्दोष हैं। सच में? हाँ जी। तो पहले तुम ही जीप में बैठो। अरे चंदू, तुम लोगों को स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा। हाँ। गाड़ी में जाकर बैठो, ये दोनों जीप में फिट नहीं होंगे, ट्रक लेकर आओ। भारत के नामचीन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के प्रसिद्ध मालिक को एक मामूली सी कैबरे डांसर का पीछा करते हुए शर्म नहीं आती? सर वो कैबरे डांसर नहीं है। तो फिर? दलाल गुप्त के एमडी की बेटी है सर। माय गॉड, तो वो कैबरे डांसर बनके परफॉर्म करने क्यों गई? आई मीन क्या उसे कोई मानसिक बीमारी है? अपने परिवार का बदला, परीक्षा परिणाम का डर, प्यार में विफलता, ऐसा कुछ जो उसके साथ हुआ हो? ऐसी कोई समस्या है क्या? स्टॉप इट, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने मुझे टेक्स्ट मैसेज भेजा था। समझा, एसएमएस। तुम्हारा मतलब है सेल फोन मेनिया। तो उस मैसेज का कंटेंट क्या? यही कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शहर छोड़कर जा रही है, यही लिखा था। उसका बॉयफ्रेंड कौन है? मुझे नहीं पता। अच्छा, पता तो मुझे भी नहीं, पूछने दो। तो लड़की, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही थी। सच सच बताओ। हाँ। इन्हीं लड़कों में से कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? जवाब दो। वो है। अरे मैंने, मेरे जो पीछे है वो। तुम्हारा आगे पीछे है क्या? अरे नहीं नहीं, उसका जो बॉयफ्रेंड है वो मेरे पीछे। आगे पीछे दोनों नक्शे बिगाड़ दूंगा तेरे। ये है वो, ये है। तुम ही उस लड़की का बॉयफ्रेंड हो क्या? प्लीज। अगर मैं हूं तो? अगर तुम हो तो। अभी ये मामला सुलटाता हूँ। थैंक यू सर। क्या तुम कानूनन बालिग हो? हाँ हूँ। बहुत सही। और क्या तुम भी बालिग हो? मैं दो बार बालिग हूँ। हाँ? हैं? हाँ? अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या? एक ही रास्ता है, प्यार करने वालों को मिलाना, दिल यही कहता है। अगर कोई कपल कानूनन बालिग हो चुका है तो उन्हें साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए मैं इन्हें आजाद करता हूँ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये पुरानी कहावत नहीं सुनी तुमने? क्या मैं तुम्हारी शादी में कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं, हम उनकी शादी करा देंगे। पहले सीधे चलना तो सीखो, उसके बाद शादी की व्यवस्था करना। इन सबको मेरी नजरों से दूर कर दो, कौन बनेगा करोड़पति? अच्छा हुआ मैंने आज अंदर का आइटम पहना हुआ था। अरे चुप करो, कुछ भी बकवास करते रहते हो। चंदू। पार्वती आओ बेटी, चलो घर चलते हैं, फिर बाद में डिसाइड करेंगे।
क्या वो मेरी तरफ देख रही है? बाप रे, चलो बाइक स्टार्ट करो। चलो उतरो, घबराओ मत, ये मेरा घर है। ऑल द बेस्ट, तुम दोनों को मुबारक हो। बकवास बंद कर। चलो आओ। चलो दाहिना पैर आगे रखो। अब ये कौन है? चिंता मत करो, अंदर आओ। आओ जाओ, अंदर जाओ। तुम आज के लिए इस कमरे का इस्तेमाल कर सकती हो। तुम इस कमरे को गंदा मत करना, साफ सुथरा रखना, मुझे इसी तरह से पसंद है। अरे मैं कुछ भूल गया, अभी आता हूं। ओ वो आ रहा है। शिवराम। हाँ, ये लड़की कौन है? कौन? वही जिसे अंदर लेकर गए। अच्छा अच्छा, वो तो एक लड़की है, चली जाएगी, मैं आता हूँ। शिवा, सच बताओ कौन है वो लड़की? सच कहूँ तो मैं उसे नहीं जानता, मुझे बस इतना पता है कि वो लड़की मेरा प्यार है। उस लड़की को नॉर्थ इंडियन वेजिटेरियन खाने की आदत है, अब मैं भी वेजिटेरियन बन गया हूँ। मैं नहाने जा रहा हूँ। नहाने? हाँ। ए, कुछ तो गड़बड़ है। भैया, तुम्हें भी ये चाहिए क्या? लड़की की फैमिली यहाँ आई है। अरे रे रे, उनके लिए तो ये काफी नहीं होगा, उसे उनके साथ भेज दो। अगर लड़की राजी है तो ये उसे ले जा सकते हैं, वरना मैं किसी को भी जबरदस्ती ले जाने की परमिशन नहीं दूंगा। भाई प्लीज, बेवजह की परेशानी को आगे मत बढ़ाओ, इन लोगों की बहुत ऊपर तक पहुंच है। मिनिस्टर ने मुझे पर्सनली बुलाकर भेजने को कहा है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भी उसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। तो आपके बिना परमिशन के जो सही होगा करूंगा। तुम ये बात छोटे भाई के रूप में कह रहे हो या पुलिस ऑफिसर के रूप में? आपके छोटे भाई के रूप में। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बड़ों के मामलों में दखल अंदाजी मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। तो फिर मैं पुलिस ऑफिसर के रूप में जो होगा करूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। देखो, वो लड़की मेरा प्यार है। प्यार में दो लोग ऐसे होते हैं जैसे गिलास में शराब और पानी, कोई भी पुलिस ऑफिसर उसे मुझसे अलग नहीं कर सकता। तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो शिवराम? मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो? हाँ कैसे, मुझे बताओ, तुम दोनों कब से एक दूसरे को जानते हो? मुझे बताओ, तुम दोनों ने कब शादी की थी? अब मैं उससे जब पहली बार मिला था, फर्स्ट टाइम, जब मैंने उस लड़की को देखा था, एक दिन मंदिर गया था तब वहां मिला था। मंदिर में मैंने उस लड़की को वहां पर देखा पहली बार। जब मैंने उसे देखा तो मेरे दिल ने कहा यही है वो, ये नहीं वो। बिना देर किए मैंने उससे पूछा, ये बताओ क्या मैं जीवन भर तुम्हारा गुलाम बनकर तुम्हारी पूजा और सेवा कर सकता हूँ? फिर उसने मुझसे कहा ओके माय लव। फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर हम एक बीच पर गए, एक दूसरे की आंखों में देखते हुए खो गए। फिर हमने मूंगफली खरीद कर खाई। क्या सर? बीच पर कुछ लड़के मूंगफली बेच रहे थे, हमने उनसे खरीदी और खा ली। सर, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? सर जानते नहीं मैं कौन हूँ? बताओ, तुमने उसका किडनैप किया है ना, और उसके बदले में पैसे भी मांगे।
ये तो हर एक अमीर आदमी का कॉमन ट्रिक है सर, कि अपनी बेटी के प्रेमी को झूठे केस में फंसा दो और उसे जेल भेज दो। उन्होंने भी अपनी बेटी को वापस ले जाने के लिए ऐसा ही किया। इतनी सी बात समझने के लिए आपके पास कॉमन सेंस नहीं है क्या? फिर तुमने उसे क्यों कमरे में बंद करके रखा है? बताओ। रुकिए सर, पूछो उससे। सर ये आपकी ड्यूटी हो सकती है, लेकिन ये सब पुलिस स्टेशन में कीजिए, ये मेरा घर है। तो इसे आप पुलिस स्टेशन ही समझिए, सिर्फ आरोपी ही नहीं उसके पिता से भी हम पूछताछ कर सकते हैं। उसे बाहर बुलाओ। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं इसने तुम्हें धमकी देकर घर में बंद करके रखा है। तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। शिवराम ने मुझे कोई धमकी नहीं दी है, मैं अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से इसके साथ यहाँ रहने आई हूँ। तुम अगर चाहो तब भी अपनी मर्जी से कहीं नहीं रह सकती। अगर इसे पसंद करती हो तो इससे शादी करवा देंगे, उसके बाद यहाँ आके रह सकती हो। जी हाँ, क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप इनके साथ जाइए, आपको जाना चाहिए। हम पहले से ही शादीशुदा हैं। अरे हाँ, सही कह रही है, कल ही हमारी शादी थी। जब हम शादी के बाद पार्टी कर रहे थे तभी पुलिस ने हमें पकड़ लिया। आपने क्या कहा था कि शिवराम ने आपकी भतीजी का किडनैप किया है? पर ये दोनों तो शादीशुदा हैं। सर उसे धमकाया गया। शट अप, हमारा वक्त बर्बाद हो गया। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसके साथ खेल रहे हो। हमारी दुनिया तुम्हारी सोच से बहुत बड़ी है। हम बाद में बैठकर बात करेंगे, तुम जानते भी नहीं हो कि हम कौन हैं। ओके, हाँ नहीं जानता। मुझे वैसे भी ब्रांड की जानकारी नहीं है, मुझे सिर्फ ताड़ी पसंद है। आप चाहे तो कुछ अंडे भी उबाल सकते हैं, ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। I'm sorry. इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ऐ, वो बात तो ठीक है, मेरे लिए शादी मंगलसूत्र मायने नहीं रखते। जीवन में सिर्फ प्यार और समझ होना चाहिए। और मैं इस लड़की का बहुत आभारी हूं, मैं उसका एहसान धीरे धीरे वापस चुका रहा हूं। ये लड़की अगर तुम इसके बारे में जानना चाहती हो तो मैं कहूंगा हमारा रिश्ता पवित्र है। मैं शिवराम की पत्नी हूँ, आपको इससे क्या मतलब है? मुझे इससे मतलब है क्योंकि वो मेरा बेटा है। शादी होने से पहले तुम खुद को उसकी पत्नी नहीं कह सकती। सुनो, एक गंदे परिवेश में पले हुए लोगों का यही स्वभाव होता है। मैं तुम जैसी लड़की को अपने घर में नहीं आने दूंगा। उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं उसके लिए अच्छी लड़की ढूंढकर उसकी शादी करवाऊंगा। तुम उसकी पत्नी नहीं हो सकती, समझ गई? चलो जाओ यहाँ से, आई बड़ी पत्नी बनने। इस बात से उसे बहुत चोट पहुंची। उसने मुझसे कहा कि हमारे रिलेशनशिप को लेकर उसे बहुत डर लग रहा है। मैं उसे खोना नहीं चाहता था, जैसे प्यार करने वाले कुछ भी कर गुजरने के बारे में सोचते हैं। हमने भी भागने का फैसला किया था, लेकिन मेरा पुलिस भाई पुलिस बनने से पहले वह एक एक्सपर्ट जासूस बन गया था। उस रात जब हमने भागने का फैसला किया था, मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया गया ताकि मैं भाग ना सकूं। ये सब जाने बिना मेरे आने की उम्मीद में वो हमारे मिलने की जगह पर इंतजार कर रही थी। और अगले ही दिन आज भी वो बातें मुझे चैन से जीने नहीं देती, इसीलिए मैं भागता हूं, पीता हूं, फाइट करता हूं ताकि उसे भुला सकूं। अरे पहले ही मुझे देर हो चुकी है, मैं जाकर जल्दी आता हूं, मेरा अपॉइंटमेंट है। कहां पर? अब यही एक बार में।
तुम उससे कल ही मिले थे, आज सुबह तुम्हें उससे प्यार हो गया, दोपहर में पत्नी बन गई, शाम होते होते मुसीबत बन जाएगी। रुको 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 रुको। नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, और बात करनी मुझे। अरे बाइक रोको। तुम यहाँ क्यों उतर गए? कौन है, कौन हो तुम लोग? चलो चलते हैं। कौन थे वो लोग? स्पेशल ड्यूटी पर हूँ। यहाँ तुम्हारी स्पेशल ड्यूटी थी, चूहे पकड़ने आए थे। नहीं, मुझे पता है कि तुम एक गुंडे हो। थैंक यू। और ये भी सच है कि सीनियर पुलिस ऑफिसर के बड़े भाई हो, लेकिन फिर भी उनसे भी बड़े ऑफिसर ने मुझे ड्यूटी पर नियुक्त किया है। यहाँ मैं तुम्हें पकड़ूंगा, तुम्हें बेनकाब कर दूंगा और फिर गिरफ्तार करके स्लो मोशन में वॉक करूंगा। लोग मुझे टीवी पर देखकर ताली बजाएंगे। मुझ पर हंसने की जरूरत नहीं है। सुनो, आज तक दो ही मामले आए हैं जिन्हें जांच करने के बाद भी मैं हल नहीं कर पाया। हाँ, वैसे कितने केसेस हैं आपके पास? दो। वेरी गुड। थैंक यू। सर वो क्या है, मैंने आपको गलती से मार दिया था। कोई बात नहीं, मैं डिफरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, इसीलिए अक्सर इस तरह मार खाता रहता हूँ। आई विल। गुड नाइट। स्टॉप, एक मिनट रुको। सॉरी, तेरा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। तो क्या मोच आ गई? हाँ, क्या तुम मुझे आसपास के किसी हॉस्पिटल का पता बता सकते हो? यहाँ पास में एक जानवरों का हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच, कल रात को भी मिला था एक। इससे अच्छा तो मुझे किसी पागल कुत्ते नहीं काट लिया होता। ध्यान से, आगे एक गड्ढा है। मुझे समझ में नहीं आया। अब समझ गया होगा। तुम जो कह रही हो उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम्हारे चाचा तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे चाचा जी ही नहीं, मेरे परिवार में सभी को सिर्फ पैसों से ही मतलब है। पैसों के लिए जान भी ले सकते हैं, किसी की भी। पापा हमेशा कहते थे मैंने इतना कमाया है कि 10 पीढ़ियां भी बैठे बैठे खा सकती हैं। लेकिन क्या फायदा, मुझे देखिए ना, मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ और क्या हालत हो गई। तो तुमने उन्हें सब कुछ बता दिया? वो मैं, आपके मम्मी पापा ने जिद की तो मुझे उन्हें बताना पड़ा। बहुत सही। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके आगे क्या होगा। ये दोनों जो है ना, ये तुम्हें पकड़वाएंगे। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये मेरे माता पिता हैं, लेकिन इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। और फिर इन दोनों का पुलिस बेटा, वो तुम्हें तुम्हारे घर वापस ले जाएगा। देखो। देखो वहां, वो बहुत बड़ा जासूस है, उसी ने माँ और पिताजी को कन्विंस किया है, इसीलिए ये दोनों तुमसे मीठी मीठी बातें कर रहे ताकि सच्चाई बाहर आ जाए। पहले भी इसके कारण एक लड़की की हत्या हुई थी, वो मुझसे प्यार करती थी, यही उसकी गलती थी, लेकिन इस लड़की ने वो गलती नहीं की। इसे नुकसान मत पहुंचाना सर। अगर ये लड़की सच कह रही है तो इसमें कोई शक नहीं है, सच है, ये सच है, सच है। अब अच्छा, बस वैसे इस लड़की के पिता इंग्लैंड में है, उनकी ये किडनी फेल हो गई है, इसलिए उनका वहां ट्रीटमेंट चल रहा है। ट्रीटमेंट के बाद जब तक वो वापस नहीं आ जाते तब तक इस लड़की ने उसकी रक्षा करने के लिए शिवराम से भीख मांगी है, इसीलिए शिवराम इस लड़की को लेके यहाँ आ गया। लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका आप लोगों को शक है? कोई परेशानी नहीं, ये जब तक चाहे यहाँ रह सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी सुरक्षा तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी। वहाँ देखो, इस घर में पुलिस भी है और गुंडा भी है। देखो ये मुस्कुरा रहा है। चार्ली चैपलिन की फिल्म देखकर भी नहीं मुस्कुराता ये। मैं अभी मरा नहीं हूँ। परिवार के सारे लोग इकट्ठे हैं, पहले उस लड़की को खूब हंसाएंगे और उसके बाद टॉर्चर करेंगे। फिर से गिर गया।
मैं सुशील भाई हूँ। सुशील भाई बाय। ये लोग हमारे सिर्फ एक ब्रांच के स्टाफ हैं। स्टाफ का मतलब ये लोग गुंडे भी हैं। ये लोग हमारे कहने पर कुछ भी करेंगे। आपके कहने पर कुछ भी करेंगे? हाँ। अच्छा अच्छा, फिर उनसे मेरी पीठ खुजाने के लिए कहो। ये तुम्हें तुम्हारी खुजली से छुटकारा दिलाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कहीं भी छुप जाओ, ये लोग तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। तुम्हें पता है पूरे भारत में हमारे 40 ब्रांच है। तो तुमने एक और ब्रांच क्यों नहीं शुरू किया? हम इसे अली बाबा और उसकी 41 ब्रांचेस कह के बुला सकते थे। पकड़ो उसे। खराब हो गई है, दौड़ दौड़ के मरवा दिया यार। अबे रुक जा, अबे रुक जा, बे सांस फूल रही है, इतना दौड़े का लंगड़े। बहुत खराब खराब स्टेमिना है। क्या मैं दूध में थोड़ा ग्लूकोज हॉर्लिक्स भी ऐड करके तुम्हारे इन टट्टुओं को दे दूं? तुम लोगों का 40 ब्रांच हो सकता है, लेकिन शिवराम के पास एक ही ब्रांच है, क्राइम ब्रांच। मेरे पास एक ही स्टाफ है, क्रिमिनल लॉयर एडवोकेट शिवराम। लड़ो मत, बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। बॉस? कौन बॉस? मतलब पैराडाइज बार का मालिक मिस्टर साबू? नहीं, मेरा मतलब है हमारे बड़े मालिक। तुम सबके बड़े मालिक भी हैं? मतलब ये सब जूनियर्स हैं? मैं जूनियर्स के साथ डील नहीं करता। अरे लड़ाई मत करो, चलो तुम्हारे बड़े मालिक से मिलता हूँ। राम, आई एम सॉरी, ये बिल्कुल इसी लायक था। चलो राम को सॉरी बोलो। सॉरी। थैंक यू। आओ राम बैठो। मैं यहाँ पार्वती से मिलने आया हूँ, मेरा नाम प्रवीण है। ओ, पार्वती ने मुझे बताया था। यूजुअली कितने पैक पी लेते हो? 7 या 8 तक तो मैं गिनता हूँ, उसके बाद की गिनती भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता। लेकिन यहाँ काउंट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं जितने पैक पीऊंगा उससे ज्यादा तुम्हें पीना होगा। ओके, आई ट्राई। चीयर्स। चीयर्स सर। मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग बहुत अच्छे हैं। पापा के वापस आने तक मैं यहीं पर रहूंगी। ये सही नहीं होगा, मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ, तुम्हें साथ चलना ही होगा। तुम इस तरह बात क्यों कर रहे हो? वार। बैंकर, बैंकर। आपके पास इतनी कैपेसिटी है लेकिन दिखती नहीं। मुझे आपका स्टाइल बहुत पसंद आया। आपको बैंक का कारोबार बंद करके बार खोलना चाहिए। बात करके समय बर्बाद मत करो, चलो गाड़ी में बैठो। मैंने तुमसे कहा ना नहीं जाऊंगी। प्रवीण तुम जाओ। मुंबई के धारावी के बारे में सुना है तुमने? मैंने ऐसी जगह से शुरुआत की थी, वहां से यहां तक पहुंचने में बहुत लोगों की आंखों में हिम्मत देखी है, जो किसी को भी मार सकते थे। मैंने ये सब देखा है। अगर तुम किसी की आंखों में देखोगे तो तुम जान सकते हो उसके दिल में क्या है। मेरे दिल की बात जानने के लिए एक्सरे लेने की जरूरत नहीं है, ताड़ी की 2 बोतल और 6 पैक, बस इतना ही। मेरा दिल बहुत साफ है सर। क्या मैं अपनी बेटी से मिल सकता हूँ? क्यों नहीं सर, मैं आपकी बेटी को लाऊंगा। लेकिन सर, चीजें वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, इन सब के पीछे साजिश है।
जो आपको पता नहीं है सर, लेकिन बाद में पता चल जाएगा। सीढ़ी का है सर, सीढ़ी प्लीज उस तरफ है। उस तरफ हाँ। आपके साथ पीकर सर मेरे जैसे आदमी की आत्मा पवित्र हो गई। सॉरी किसी ने मुझे शराब पीने से मना किया था, इसीलिए थोड़ी सी पी है। क्या बात है लव बर्ड्स, आप लोग इतने दुखी क्यों हो? क्या आपकी फैमिली भी आपकी शादी के लिए राजी नहीं थे? अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी से पूछूंगा। पार्वती, पार्वती वो चली गई। क्या? एक प्रवीण नाम का लड़का आया था, उस लड़की को लेकर गया। वो चली गई, चलो अच्छा ही हुआ, बहुत अच्छा। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? मैं प्रवीण। हाँ प्रवीण, कहाँ हो तुम अभी? दरअसल हम अभी बहुत दूर हैं। शिवराम, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर एक और एहसान कर दो। फिर से? अब क्या है? पार्वती की फैमिली तुम्हारे हाथ पे कुछ पैसे देंगे, लगभग 50 लाख रुपए। उसे तुम लेकर जहाँ मैं तुमसे कहूँगा वहाँ ला कर देना होगा। हाँ? मैं समझा नहीं। तुमने पिछली बार मेरे सारे प्लान्स बर्बाद कर दिए थे, अब उसे तुम ही ठीक करोगे, समझे? तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, नहीं तो पार्वती के टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे घर के सामने फेंक दूंगा। उसके बाद तुम सबको जवाब देते रहना। अरे तेरी तो कमीने, मुझे धमकाने की कोशिश भी मत करना। तो जो भी कर सकता है कर ले, मुझे कोई परवाह नहीं है। शांत हो जाओ यार, मैं जल्दी तुम्हें और भी डिटेल्स दूंगा, तो मुझे अपना डिसीजन बता देना, मैं तुम्हें फिर कॉल करूंगा। हेलो हेलो, और गालियां देने से पहले ही फोन कट कर दिया, घटिया इंसान। किसका फोन है? ये वही है राम। हेलो मिस्टर राम। हेलो, शिव बोलो या राम बोलो, सब मैं ही हूँ। अगर आप अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द मुझे 50 लाख रुपए भेज दीजिए। आपका हर मिनट कीमती है, ध्यान रहे कोई चालाकी नहीं करना। इस समय उसकी बात मान लेना बेहतर ही होगा। तुम्हारा मतलब है उन मारवाड़ियों से मुझे पैसे लेने चाहिए और उस कमीने को जाकर दे देना चाहिए। शिवराम इस जीवन में तो ऐसा कभी नहीं करेगा। भैया बात की गंभीरता को समझिए, सबको पता है कि लड़की यहाँ पर थी, सबका मानना है कि आप फिरौती मांग रहे थे, यहाँ तक कि एसपी साहब को भी पता है। अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो कौन जवाब देगा भैया? ओ क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे। तुम और तुम्हारी पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तार करो, करो गिरफ्तार, अरेस्ट भी, अरेस्ट भी। ठीक है सर। महेश सर लाइन पे है, उन्होंने कहा कि हमें पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। राम को जितना भी पैसा चाहिए उसे दे दो। बहुत बड़ी साजिश है भैया, कोई तो आपको मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आपको इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो इस लड़की को मार दे। तुम्हें जाना चाहिए बेटा, जाकर उसकी जान बचाओ। मुझे भी ऐसा ही लगता है, तुम्हें उसकी जान बचानी चाहिए। एक अच्छे इंसान की तरह उसकी जान बचाकर यहाँ पर ले आओ, अगर तुम उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते हो तो। आप मुझे इस बंधन में बांधने की कोशिश भी मत करना। मैं जाकर उसे बचा तो लूंगा, लेकिन वो अपने घर पर ही रहेगी। ये तो अपना ही उल्लू सीधा करने में लगे हैं। अब फोन। हेलो, तो फिर तुमने क्या डिसाइड किया शिवराम? अरे मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूं, यह तो तुम हो जो डिसाइड कर सकते हो। तुम जहां भी कहोगे मैं पहुंच जाऊंगा, चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना हो। वेरी गुड। हाँ तो हम जल्द ही मिलेंगे, और तब तक आइए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक।
कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे तेनकासी जाना है। वहाँ का बंगला बहुत गंदा हो गया है ना, मुझे वहाँ जाकर सफाई करनी है। तुम पिछले हफ्ते तो गए थे। हाँ, लेकिन हफ्ते में एक बार साफ नहीं किया तो बंगला तो छोड़ो, बांग्लादेश भी गंदा हो जाएगा। तुम ये सब क्या समझोगे? तुम साफ सफाई थोड़ी ना करते हो। ये समझने के लिए दिमाग होना जरूरी है। तो आपने उसे पैसे देने का फैसला कर लिया है? इसमें पुलिस को दखल देने की जरूरत नहीं। नहीं सर, हम कोई दखल नहीं दे रहे हैं। जब तक आपकी बेटी सुरक्षित घर नहीं पहुंच जाती हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन हमें एक अपराधी को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। हे भगवान, बंद कर दिया। इसे लेकर जाएंगे? ये लो पूरे पैसे हैं, आप गिन भी सकते हैं। आधी रात को बैठ के हम पैसे गिनेंगे? चल जाए यहाँ से। आओ। प्रवीण आओ। ये तो सुशील भाई है। सुशील? फोन। हेलो, तुम पैसे लाए हो ना? लाया हूं। इस वक्त तुम कहां हो? उससे पहले सूटकेस खोलो और चेक करो। मैंने कहा सूटकेस खोलो। चंदू सूटकेस खोल। क्या हुआ? तुमने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ है ना? तुमने आज तक सिर्फ लोकल गुंडे ही देखे हैं, लेकिन ये नई दुनिया है और इसके तरीके भी अलग होते हैं। वेलकम, हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम भी एक बात याद रखना, तुम्हारी ये नई दुनिया और ये अंदाज फोटो शूट कराने वाले गुंडों की दुनिया है। तुम्हारी दुनिया में मैं आ गया हूं। सावधान। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस उसे मार डालो। शिवराम को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पार्वती अभी भी उसके पास ही है। तो क्या क्या हमें उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? सुशील के अंतिम संस्कार से पहले वो आदमी मर जाना चाहिए। पूरे केरला में सारे कलेक्शन एजेंट्स हैं, जो कि सारे प्रवीण के ही आदमी हैं। मारवाड़ी परिवार में कोई भी उस पर शक नहीं करेगा, वो सब उस पर बहुत भरोसा करते हैं। वे गुंडे पुराने या नए हो सकते हैं, उन सबका आपस में लिंक है। ये प्रवीण तो अभी नया नया गुंडा है, उसके साथ कुछ पुराने गुंडे भी होंगे जो मुंबई में भी रहते हैं। यहाँ एक अमीर जमींदार है, उसके पास 5 से 8 घर हैं। हाँ, उसका घर प्रवीण और उसके गुंडों का ठिकाना है। क्या ठिकाना? चंदू। हाँ, तो क्या अब हमें उनके ठिकाने पर चलना चाहिए?
क्या इससे पहले तुमने उस बदसूरत आदमी को देखा है? नहीं, इससे पहले ऐसी बेमेल जोड़ी नहीं देखी। तुमने इस आदमी को नहीं देखा हा? लेकिन मैंने देखा है। आओ। मेरा नाम चिदंबरम है, ये मेरी पहली पत्नी और वो मेरी दूसरी पत्नी। मेरी दोनों पत्नियां चाहती थी कि उसकी छोटी बहन इस घर में लेकर आऊं, इसीलिए मैं तीसरी बार शादी करने जा रहा हूं। तुम खुश हो ना? ओ, तुम दोनों ही बहुत खुश लग रही हो। दुल्हन को अंदर ले जाओ, मैंने कहा जाओ। और सब ठीक है ना? हे, अरे अरे छोड़ो, तुम्हारे पिता की शादी होने जा रही है, तुम सबको मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। हे, जाओ यहाँ से, नहीं तो सबकी पिटाई करूँगा, जाओ। बदमाश बच्चे मुझे शादी करने से मना कर रहे हैं। दूध पी लो। उस शैतान से शादी करने से अच्छा था कि मैं मर ही जाऊं। धीरे बोलो, तुम्हारे पिताजी का पैसा बकाया है, अगर उन्होंने अपना बकाया भुगतान नहीं किया तो वो तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालेगा। उन आदमियों को देख रही हो ना, उनके पास हथियार है। आज मेरी शादी है, जाओ बाहर जाओ बुढ़िया। मीनाक्षी, हमारे हनीमून के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए? सुसाइड पॉइंट पे चलते क्या? पिताजी, अरे हटो हटो, बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ। हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं शैतान कहीं के। रुको अभी बताता हूँ। हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। उन्होंने हमें नहीं पहचाना। नमस्ते, प्रवीण नहीं आया क्या? वो जल्दी आएगा। उसने कहा शादी होने से पहले वो आ जाएगा। आना ही पड़ेगा, जब तक प्रवीण नहीं आएगा शादी नहीं करूंगा। मेरे भाग्य को चमकाने वाला वही तो है, पता है तुम्हें? आओ 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 आओ। चंदू, मुझे इस घर में जाकर देखना होगा। मुझे एक मिनट दो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस घर का मालिक कौन है? पार्वती, हे पार्वती, रो मत। आप फिर से शादी क्यों कर रहे हो? हमारा देश अपना विकास क्यों करना चाहता है? ताकि वो आगे बढ़ सके और उसका विकास हो। मुझे भी अपना विकास करना है। चलो रोना बंद करो और मुझे भी जीवन में विकास करने दो। कौन हो? इसकी शादी भी जबरदस्ती की जा रही है। क्या? तुम्हारी शादी भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हो रही है ना? हाँ। मैं तुम्हें भी बचाकर ले जा सकता हूँ। ये कौन है? ये एक और लड़की है जिसे मैंने बचाया है। इसी तरह मैं सभी को बचाता हूँ, तुम्हें भी बचा सकता हूँ। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी छोटी सी हेल्प करनी होगी। सबसे पहले ठंडा पानी ला दो, ठंडा पानी ला दो ना प्लीज। पूरी जिंदगी में इतना नहीं भागा जितना आज भागा। वो लंगड़ा आदमी इतना तेज दौड़ता है, मैं उस बदमाश को किसी भी तरह ढूंढ लूंगा और मैं उसका दूसरा पैर भी तोड़ दूंगा।
पानी लेकर कहाँ जा रही हो? बेडरूम में। नमस्कार। पानी कहाँ लेकर जा रही है? बेडरूम में। ओ अच्छा। हाँ। हमारी शादी से पहले वो बेडरूम में चली गई, वो भी पानी के साथ। ये मैं एक बछड़ा हूँ जो आया था पानी की तलाश में, मैं एक बछड़ा हूँ जो आया था पानी की तलाश में, सूरज भी मुझ पर आखिरकार चमक गया, आज मुझे जी भर के पीने दो, मुझे खुश होने दो, आज मुझे जी भर के पीने दो, मुझे खुश होने दो, मैं एक बछड़ा हूँ जो आया था पानी की तलाश में, सूरज भी मुझ पर आखिरकार चमक गया रे। मच्छर मारने वाला स्प्रे है क्या? कोई बात नहीं, मच्छर मुझे नहीं काटेगा। तुम्हें कैसे पता कि मुझे प्यास लगी है मेरी जान? क्या इसीलिए तुम मेरे लिए पानी लेकर आई? पानी कहाँ गायब हो गया? नहीं पता। क्या नहीं पता? क्या नहीं पता कहा ना? अच्छा तुम्हें नहीं पता। पार्वती, तुम ठीक हो ना? हाँ? डरो मत, भागो यहाँ से। क्या हुआ सर? कुछ भी तो नहीं, अंदर भूत है। बाप रे, डरने की जरूरत नहीं है, भागो यहाँ से। भूत। चंदू। हाँ। कहाँ हो तुम? मैं यहीं पे घर के आसपास ही हूँ। चंदू, चंदू। हाँ। इस तरफ, इस तरफ। कहाँ पे? यहाँ हो। साहब, आप बेडरूम में नहीं जाएंगे? हर शुभ कार्य के लिए एक सही समय होता है। ठीक कहा साहब। मुझे हवा दो। ये दुल्हन कहाँ जा रही है? क्या पता। ए, ए, पकड़ो उसे। ए, जल्दी पकड़ो। अरे पकड़े, रुको। अरे जाने मन, भागो मत, रुको। अरे मत भागो। भाग रही है। अरे जाने मन, मत भागो। अगर तुम शादी से पहले इतना तेज भागोगी तो शादी के बाद कितना तेज भागोगी? मीनाक्षी, क्या तुम भागने वाली लड़की हो? अरे तुम अपनी स्पीड क्यों बढ़ा रही हो? मीनाक्षी सुनो, रुको। अरे कितना तेज भागोगी? क्या करो तुम लोग, यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे? उस दुल्हन का दिमाग खराब हो गया है, वो यहाँ से कूद गई और भाग गई। सभी उसके पीछे भाग गए। आओ मेरे प्यारे आओ, तुमने उम्मीद नहीं किया होगा हम इतनी जल्दी मिलेंगे, है ना? ये तुम्हारे नए ब्रांड वाले गुंडे हैं ना? नमस्ते जी। अच्छा है, अच्छा है। हेलो हेलो, मेरा नाम है बथेरी बाबू, मुझे कोला कोली के नाम से जानते हैं। मैं वड़क्कन चेरी वक्का चन हूँ, प्यार से लोग वक्कन कहते हैं। मैं पट्टा भी रवि हूँ, लोग मुझे गुंडा रवि कहते हैं। मैं शिवराम हूँ, सब मुझे शिवराम ही कहते हैं। तो क्या हम लोग पुराने और नए गुंडों को मिलाएं? जाओ। तुम सब हम पुराने गुंडों की वैल्यू को जानते नहीं हो है? और इन सबको बताते Huh?
सांस फूल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं ऑक्सीजन कहां से छोड़ रहा हूं, नाक से या मेरे पीछे से। हे भगवान, इतनी मेहनत करने के बाद भी हम उसे पकड़ नहीं पाए। बेहतर होगा कि हम उसे ना ढूंढें। मुझे लगता है उस लड़की के अंदर कोई भूत है। जानू, पानी। भागो, भागो। डरने की जरूरत नहीं है, पर भागो, भागो, भागो यहाँ से, भागो, भागो। भैया, मामला पेचीदा होता जा रहा है। उसके परिवार में से किसी ने गवाही दी है कि पार्वती ड्रग एडिक्ट है। अब ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि राम और पार्वती ने मिलकर इस स्कैम को अंजाम देने के लिए प्रवीण का इस्तेमाल किया है। दुश्मन अब हमारे ठीक पीछे है। तुम या मैं किसी भी पल मारे जा सकते हैं। अब तक सिर्फ हमारा एक ही दुश्मन था, वो था प्रवीण, पर वो भी मर चुका है। हम नहीं जानते कि वो आदमी कौन है और उसे किसने भेजा था। एक बात तो तय है कि असली दुश्मन तुम्हारे घर में ही है। अगर हम उसके डर से भागने लगे तो हमें मरते दम तक भागना पड़ सकता है। तो इससे बेहतर होगा कि हम उन लोगों का सामना करें इससे पहले कि वो लोग हम पर हमला करें। पार्वती, मुझे तुम्हारा पूरा सपोर्ट चाहिए। कई सालों के बाद मैं फिर से अपना वकील का कोट पहनने जा रहा हूँ। तुम्हें मुझ पे विश्वास है तो ये केस मुझे सौंप दो। भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हे शिवराम, अब फिर से कानून का कोट पहनेगा। शिवराम कोर्ट में गया तो उन लोगों की खैर नहीं है, वहाँ जाके उन लोगों की। पार्वती, अगर मुझ पर भरोसा है तभी यह कदम उठाना। इस एक्शन के लिए
पार्वती, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाना चाहता हूँ। कहाँ है वो? मैंने उसे रोकने की कोशिश की, वो धक्का देकर अंदर घुस गया। भगवान कृष्ण की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। शिव 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 शिव। ओम गणेशाय नमः। खड़े हो जाओ। हैं? भगवान आप बोले? मैं कहता हूँ खड़े हो। हाँ, यहाँ तो सब लोग हैं। निकल जाओ बाहर। मैं तो आपको खुशखबरी देने आया हूँ। मैं आपकी लाडली बेटी पार्वती को यहाँ लेकर आया हूँ बिना किसी खरोंच के और बिना कोई चोट पहुँचाए। अगर आप लोग खुश हैं तो ताली बजाइए, मुस्कुराइए। अब तुम्हें 50 लाख रुपए मिल गए तो इसे यहाँ वापस लाकर शराफत दिखाने का ढोंग कर रहे हो। तुमने हमारे परिवार के 2 सदस्यों को मार डाला है। जब तक उन हत्याओं और पैसों के बारे में बता नहीं देते, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। धत तेरे की, मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ। अभी आपने ही जिक्र किया 2 लोगों की हत्या और 50 लाख के बारे में। इन सब के पीछे कौन है ये जानने के बाद ही मैं जाऊंगा, और तब तक मैं यही रहूंगा। उसके पहले हम तुम्हें अरेस्ट करवा के जेल में डलवा देंगे। हाँ? कोई भी पुलिस हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती थॉमस कुट्टी। हम करेंगे। यह है प्रोहिबिटरी इंजेक्शन ऑर्डर। मैं अपनी क्लाइंट और अपनी पत्नी पार्वती के साथ इसी घर में रहूंगा, क्योंकि यह घर भी उसका है और कोई हमें यहाँ से नहीं निकाल सकता। यह कोर्ट का ऑर्डर है। लीगल एडवाइजर? यस प्लीज। ये सही कह रहा है, कोर्ट की यही ऑर्डर है। अगर हमने इसका विरोध किया तो कोर्ट में फैसला बाद में होगा। इसे यही निपटा देते हैं, हमारे सामने इसके औकात ही क्या है। रुक जाओ, कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट कोई नहीं जाएगा। अगर कोर्ट का यही ऑर्डर है तो उसे यही रहने दो। हाथ हटा लो भाई, अपना हाथ हटा लो। पर हमारा बेडरूम कहाँ है? जब चाहो तुम्हें यहाँ से निकाल के फेंक सकता हूँ। तुम्हारे पैरों में कितनी उंगलियां हैं? 4, 5, 4 है ना? चलो, बहुत भारी है। अरे हे प्रभु, हमेशा खुश रखना। तुम अपना सामान यहाँ रख रही हो, फिर मैं अपना वहाँ रखूंगा। ऐसा क्यों? दोनों सूटकेस वहीं रख देते हैं। पता है ना, मुझे सारा सामान एक जगह रखना पसंद नहीं है। मुझे इस घर के बारे में पूरी डिटेल्स चाहिए। कौन किस कमरे में रहता है, कितनी सीढ़ियां हैं, बाथरूम, कार, कार शेड यदि कोई हो तो। तुम्हारे पैरों में कितनी उंगलियां हैं, 4 या 5? क्या बात है? बात यह है कि वो हम सबको बेवकूफ बनाकर यहाँ रह रहा है। डरने की बात तो नहीं है, पर हमें पुलिस प्रोटेक्शन ले लेनी चाहिए। जब डरने की कोई बात नहीं है तो पुलिस प्रोटेक्शन क्यों? भविष्य में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस प्रोटेक्शन। जब एक अकेला आदमी किसी हद तक जाने को तैयार हो तो आप सब में उसका सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए। इस परिवार में वो हिम्मत है, मुझे पूरा विश्वास है। खेलने दो उसे, देखते हैं वो कितनी देर तक खेलता है। प्लीज आइए सर, आइए सर, पूरी टीम आ चुकी है सर। इस घर के लेआउट से तुम्हें पूरा आइडिया हो गया है ना? यस सर। भूलना मत, इस घर में एक खतरनाक आदमी ने अपना डेरा जमा कर रखा है सर।
इस परिवार के हर एक सदस्य को सुरक्षा मिलनी चाहिए। सबको सुरक्षा मिलेगी सर। क्या तुम जानते हो एक साधारण कांस्टेबल की जगह मैंने तुम्हें क्यों चुना है? मैं समझ गया सर। नकली सबूत बनाओ और उस शराबी को गिरफ्तार करो। मुझे बस किसी तरह उसे अंदर करना है। सर, तुम हमेशा यहाँ रहोगे? मैं हमेशा यहीं पर रहूंगा सर, बस मुझे ट्रांसफर आर्डर मत भिजवा देना। छी, ऐसा पुलिस वाला है। आप हमारा इस तरह पीछा क्यों कर रहे हैं? प्रोटेक्शन। क्या प्रोटेक्शन सिर्फ हमारे लिए है? हम हर किसी को साइज और एज के आधार पर सुरक्षा देते हैं। तो फिर पीछे क्यों चल रहे हो? हमारे आगे चलो जरूर, ना। जरूर, मुझे यही तो पसंद है। कम ऑन, मेरे पीछे आओ। एक बार जब मैं आना पारा में ऐसा ही था, मुझे एक हाथी की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। ये तो चले गए। अरे रुको 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 रुको, हम लोग शिवराम से मिलने आए हैं। अभी किसी से नहीं मिल सकते। शिवराम, चंदू, वो मेरा दोस्त है, उसे आने दो। अब समझ में आया ना? आ जाओ। हेलो, देखो कौन आया है। चंदू, इस बैग में क्या है? इस बैग में हमारी कंपनी की मशीनरी है। अच्छा है, बहुत अच्छा। ये कौन है? ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है चंदू, बहुत ही फेमस है ये। स्कॉच, ताड़ी, रम और आपको कुछ भी चाहिए बस आप बता दो, ये दो मिनट में आप लोगों के लिए व्यवस्था कर देगा। ये लड़की कौन है? मेरी न्यू ट्रेनी है, मीनाक्षी। हेलो, स्वागत है आपका। हाथ छोड़ दो। चलो चलो अंदर, चलो चलो अंदर, चलो। सर, वो लोग पी रहे हैं, सबके सामने पी रहे हैं, आप जाकर उनसे पूछताछ कीजिए। मैं नहीं पूछूंगा। लेकिन क्यों? पूछा और उसने मना कर दिया तो ये शर्म की बात होगी। मेरा मतलब है जाइए उसे गिरफ्तार कीजिए। की कोई बात नहीं, तभी गिरफ्तार कर सकता हूँ जब अभद्र भाषा का प्रयोग करे या शराब पीकर दुर्व्यवहार करे। पॉइंट तो है भाई। हे चंदू, क्या ऊपर तुम्हें वो दाढ़ी वाला आदमी दिखाई दे रहा है? हाँ, दिख रहा है। वो इस घर का मुखिया है, बड़े मालिक। अच्छा, बड़े मालिक के पास तो डिसीजन लेने की शक्ति होनी चाहिए, लेकिन ये किसी काम के नहीं है। इन्हें अपनी ही बेटी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इस आदमी ने सिर्फ अपने रिश्तेदारों पर आंख बंद करके भरोसा किया है, लेकिन अपनी बेटी पर नहीं, और उसे खतरे में डाल दिया। एक और व्यक्ति है वहां ऊपर, देखो वह गंजा आदमी। उसने उस लड़की को मारने की कोशिश की जिसे उसे बेटी की तरह मानना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसने गुंडे भेजे उसे जान से मारने के लिए। वो घर के सेंटर में बैठकर शराब ही नहीं पी रहा है, बल्कि बेकार की बकवास भी कर रहा है। ऐसा मैंने उसकी कोई बात नहीं। हमारे सर को गंजा बोला, ये कैसी बेहूदा भाषा? अरे, जिसके सिर पर बाल नहीं है वो ऐसी ही बातें तो करेगा। माइकल जैक्सन या धोनी तो नहीं कहेगा ना? नहीं, मेरा मतलब, जाओ यहाँ से। वाह, उस तरफ तुम्हें एक और आदमी नजर आ रहा है। इन सब लोगों के बीच ये आदमी एक मूक दर्शक के रूप में क्यों खड़ा रहता है, ये आज तक मैं समझ नहीं पाया, और शायद वो भी नहीं समझता है। क्या तुम समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहा हूँ। वो वही है जो कभी हार नहीं मानता, लेकिन उसकी चलती ही नहीं। एक व्यक्ति था जो उसका सहयोगी था, लेकिन फिर वो उसके खिलाफ चला गया, तो इसने उसे मार डाला। अब तुम समझे? शायद उसे इनके बारे में कुछ पता चल गया होगा, इसीलिए इन्होंने उसे मार डाला। और अब इन्हें लगता है कि वे इस बेचारे शिवराम को क्रिमिनल बनाकर उसे फंसा सकते हैं और उस पर सारे इल्जाम लगाकर उसे जेल भेज सकते हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम खत्म हो। केला रेडी। अगला सबसे घटिया आदमी, इलीगल एडवाइजर थॉमस। 50 लाख रुपए के नाम पर उसने सूट केस में ईंटों को पैक किया जिसकी कीमत 5 रुपए भी नहीं थी, और फिर उसने अपनी सास के लिए जिस तरह अंतिम संस्कार की चिता तैयार की, हमें भी भेजा। वो बहुत नीच इंसान है। मैं इसे सुरक्षा दे सकता था, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही स्वस्थ है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मत मारो। वो मेरी सासू माँ के बारे में फालतू की बकवास बातें कर रहा है। 50 लाख रुपए की जगह मैंने ईंटें भर दी, वो ऐसा बोल रहा है। क्या तुम्हारी सास भी गलत औरत थी? नहीं। अंतिम संस्कार भी कोई गलत बात नहीं है? तो उसने जो भी कहा उसमें कुछ गलत नहीं है? उसने मुझे घटिया आदमी बोला। ये बात उसने बिल्कुल सच कही। मैं अंदर आ सकता हूँ? ये लड़की रो क्यों रही है? क्या तुमने इसे चोट पहुंचाई? हाँ? चलो। मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि मुझे आप पर भरोसा था।
आपने मुझसे वादा किया था कि आप और नहीं पिएंगे। एक ऐसे इंसान के साथ इस कमरे में कैसे रहूं जो हमेशा नशे में धुत रहता है। पार्वती, मैं यहाँ इसलिए हूँ। चुप हो जाइए, मुझे कुछ नहीं सुनना। आपने मुझसे वादा किया था। मैंने पी है, लेकिन वो टेंडर कोकोनट था। अब समझ में आया? नशे की हालत में मैं कुछ भी कर सकता हूं ताकि मैं सही नतीजे पर पहुंचूं। वैसे भी मुझे उन्हें जो बताना था बस मैंने वही बताया है। अब हमारे विरोधियों का रिएक्शन देखना है। मैं एक शराबी हूं, मुसीबत खड़ी करता हूं, लेकिन मैं कभी भी किसी को धोखा नहीं देता। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? तो क्या मैं इसे शांति से पी सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। क्या रे, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब लोग एक तरफ हो जाइए। अरे चिदंबरम, तुम तो हमारा बंगला देखने गए थे, इतने दिनों बाद आए हो। मुझे बुखार हो गया था मालकिन। क्या ये बुखार का मौसम है? ये बहुत बुरा मौसम है मालकिन। मैं बंगले में गया था तो वहाँ कोई नहीं था, बड़े मालिक भी नहीं। हम में से कोई भी यहाँ नहीं रहेगा, हम सब बंगले में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर बंगले में भूत है। ओ, क्या कहा, भूत? हाँ, यहाँ कोर्ट ऑर्डर के साथ कुछ भूत आए हैं। कोर्ट का ऑर्डर और वो भी भूत को? लगता है ये सच में बीमार है। चिदंबरम। हाँ, मालकिन आप कब आई? क्या हुआ चिदंबरम, तुम तो बहुत बीमार लग रहे हो। मैं बुखार से बिस्तर में पड़ा था, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, मैं बिल्कुल अकेला था मालकिन। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? मैंने शादी के लिए कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाई। नहीं हो पाई? दुल्हन भाग गई इसलिए शादी नहीं हो पाई। मैं इसे यहाँ रखता हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। जमींदार, जमींदार, मछली झींगा तुम्हें ज्यादा नहीं खाना चाहिए। आपने तो मुझे डरा ही दिया, अब मुझे राहत मिली। तो क्या मैं चिकन मटन खा सकता हूँ? पति और पत्नी कितनी अच्छी जोड़ी है। वो लोग बात कर रहे थे कि आप एक क्रिमिनल है। छोटा सा लकी यू आर। तुम्हें देखने के बाद भी उसका एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ। या तो वो एक शानदार अभिनेता है या फिर बेवकूफ आदमी जिसे पता नहीं कि तुम वहीं पर बनती। जमींदार, 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 तुम्हें झींगे की ग्रेवी से भी बचना चाहिए। क्या मैं दूसरी मछलियों की ग्रेवी खा सकता हूँ? खा सकते हो। मैं और क्या क्या खा सकता हूँ? बताता हूँ कि तुम क्या क्या खा सकते हो, लेकिन उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जानू, बोलो। पानी? अरे नहीं, नहीं, नहीं। अरे बाप रे, ये तो वही लड़की है। अरे ये तो एक मूर्ति है। अरे मूर्ति नहीं है, वहाँ लड़की खड़ी है। वो लड़की है। यहाँ सिर्फ मैं और तुम हो और कोई नहीं है। देखो। अच्छा, ये ये मेरा दोस्त चंदू है। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कोई सीरियस बात नहीं है, मैंने अपना हाथ उसके कंधे पे रखा। उसके? किसके? अरे ये चंदू की पत्नी है। पत्नी? तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रही है क्या? नहीं। कहाँ? वो वही है, देखो वहाँ पर। अरे खड़ी है ना? नहीं। अरे दिखाई नहीं दे रही। चिदंबरम, चिंता मत करो, ये एक भ्रम है, एक प्रकार का पागलपन। कोई ना दिखाई दे तो इल्यूजन, और बिना मतलब कोई दिखाई दे तो वो है डिल्यूजन। ज्यादा शराब पीने का असर है। ये एक भ्रम है, एक प्रकार का पागलपन। कोई ना दिखाई दे तो इल्यूजन, और बिना मतलब कोई दिखाई दे तो वो है डिल्यूजन। ज्यादा शराब पीने का असर है। वहाँ कोई नहीं है। उधर है? यहाँ है? नहीं है? देख, वहाँ नहीं है? यहाँ है? वहाँ नहीं है? मैंने देखा। मैं एक डॉक्टर। लेकिन तुमने कहा था तुम वकील हो। मैं वकील भी हूँ और डॉक्टर भी। डॉक्टर और वकील से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी नहीं बोलूंगा। अब तुम्हें मेरे सवालों का सही सही जवाब देना होगा। अगर झूठ बोला ना, शॉक ट्रीटमेंट। मैं आपको सब सच सच बताऊंगा। कितने बंगलों की देखभाल करते हो? 8। दो तो इन मारवाड़ियों के हैं, बाकी 6 किसके हैं? वो जॉन सैमुअल के। कौन है वो? सिर्फ सुना है, कभी देखा नहीं। चन 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 चन
बहुत हो गया, चलो सब निकलो यहां से। अरे क्या बात है, क्यों जा रहे हैं आप लोग? भगवान कृष्ण का भजन है, वो गाना नहीं गा सकती। तो समस्या क्या है कृष्ण और पार्वती के बीच? तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? मैं कौन? हटो रास्ते से। हर बात में भाषण देने आ जाता है, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। मैं भाषण देने वाला लगता हूँ, इसीलिए सब यहाँ से चले गए। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चलो हम साथ में गाते हैं। हे कृष्णा, हाँ चलो आओ, सिंगर्स और डांसर सब नीचे उतरो, नीचे उतरो। हाँ चंदू, ये लोग शहर में एक प्रोग्राम करने के बाद वापस आ रहे थे, पुंजरी बार के पास अपना इंजन ठंडा करने के लिए रुके थे, मैं इन्हें साथ लेके आ गया, 2,500 रुपए भी दिए। चलो जाओ 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 सब अंदर जाओ। सुनो मैं साउंड सिस्टम लेके आता हूँ। साइड हो जाओ, डांसर्स अंदर आ रही हैं। जब मेरी पत्नी ने गाना शुरू किया तो कुछ मूर्ख औरतें और पुरुष उठकर चले गए, जिससे मेरी पत्नी का मूड खराब हो गया। अब देखो सब लोग, पार्वती एक गीत गाओ, चाहो तो डांस भी कर सकती हो। पार्वती आप कहाँ चले गए थे? हाँ बारिश हो या कुछ भी हो, मैं तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। आज बहुत खुश दिख रही हो। हाँ आज मेरी पापा से बात हुई, उन्होंने आपके बारे में बहुत सारी बातें पूछी, उन्होंने कहा मुझे जो भी घर पसंद है मैं वहाँ पर जा सकती हूँ। और तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा घर पसंद है? सच कहूँ तो मुझे आपका घर सबसे ज्यादा पसंद है। ऐसा मत करो। पर क्यों नहीं? मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा घर पसंद करे, क्योंकि मुझे पसंद नहीं। उसने क्या कहा? इतने सारे चल भाग। इतने कुत्तों ने काटा पर फिर भी मेरा कुछ नहीं हुआ, और तुमने मेरे कपड़े फाड़ दिए। ये कुत्ते बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, रहेंगे तो कुत्ते ही ना, ये अपना स्वभाव कभी नहीं बदलेंगे। पर मैं भी हार नहीं मानूंगा। सॉरी मालकिन, आइए। सब लोग मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वनमाला तुम यहाँ आओ, क्या हो? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अरे कहाँ हो, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, कोई मेरे पास आएगा? अरे ये कौन भूपालन है क्या? आ जाओ मैं तुम्हारी रक्षा करूँ। कोई रक्षा करवाने को तैयार ही नहीं। अरे अरे इसने मुझे पकड़ लिया। सिर्फ सोना ही खो गया है ना? हाँ सही कहा, सिर्फ सोना ही गायब हुआ है। और भी गायब हो गया। झूठ का काम सुन रहे हो तुम? कल रात को जो गाना गाने आए थे वो सब के सब चोर थे, मेरे कमरे का सत्यानाश कर दिया। अब वो कहाँ है तुम्हारा शिवराम? वो यहाँ नहीं है। यहाँ कैसे होगा, भाग गया होगा, चोरी करने के बाद कौन रुकता है? अब समझ में आ गया आपको, वो आदमी एक चोर था। मैंने पहले ही कहा था कि वो एक अपराधी है, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो क्या क्या लेकर गया है। और आपको ये बता दूं कि जो मेरा बैग लेकर गया है ना, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और फाइलें थी। वो डॉक्यूमेंट्स और फाइल का क्या करेगा? वो हमें ब्लैकमेल कर सकता है और फिरौती मांग सकता है। सर 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 क्या आपने सुना? क्या सुना? कल रात मेरे कमरे में एक चोर घुसा, मेरी अलमारी में एक भी फाइल नहीं है सर। सुन लिया आपने, मैंने कहा था ना उसी ने किया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर उसका मकसद क्या है। सर मैं आपको समझाता हूँ, वो कानून का इस्तेमाल करके बिजनेस को हड़पने की कोशिश कर रहा है सर। कौन सा कानून? वो मुझे नहीं पता। ओहो तुम, वो राम जहाँ भी हो उसे ढूंढ कर लेकर आओ, जाओ जल्दी करो। नहीं किसी को भी
शिवराम को ढूंढने की जरूरत नहीं। ढूंढने की जरूरत नहीं है? तुम्हें पता भी है कि उसने डांस प्रोग्राम के बहाने यहाँ पर क्या किया है? क्या चाहते हैं आप सब? पैसा या फिर मेरी जान? ले लीजिए मेरी जान, पर उसे जाने दीजिए, शांति से रहने दीजिए। आप उसकी तलाश मत करिए। पार्वती, थॉमस सर, जल्दी पुलिस को इन्फॉर्म करो। जी सर। तुम्हें क्या लगा कि मैं भाग गया? हाँ, चलो चलो चलो, अंदर चलो। आओ। हेलो, आओ बैठो पार्वती। अरे बैठो ना। बड़े साहब, ये शुद्ध गेहूं की शराब है। बड़े साहब, ये जो है ये आपके पास नहीं होगी। ए, मैंने आपकी बेटी से वादा किया था कि शराब को तभी हाथ लगाऊंगा जब मैं इन सारी समस्याओं का हल निकाल दूंगा। अब हम अलग होने वाले हैं, तो आप सबको गुड बाय कहने से पहले मैं ये ड्रिंक शेयर करना चाहता हूँ। कल रात को तुमने क्या किया था? कौन, मैं? हाँ, तुमने कल रात पूरे घर की तलाशी नहीं ली? और तुमने इस घर से क्या चुराया? मैंने चुराया? ओ, कल रात की बात कर रहे हो? वो तो रेड था, रेड, इनकम टैक्स की रेड। जब नाच गाना और बारिश हो रही थी तब पड़ी थी रेड। क्या आप कोई पुलिस वाले हैं? हाँ, अगर मैं पुलिस वाला होता तो सबसे पहले तुम पर बंदूक तानकर तुम्हें कमरे में बंद कर देता और सारी चीजें बिखेर देता। पर शिवराम ऐसा नहीं है। रेड मारते समय मैंने संगीत और नृत्य कार्यक्रम की व्यवस्था की। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ में कुछ और भी लोग थे। स्टॉप इट। मैंने तुम्हारी बहुत बदतमीजियां बर्दाश्त की। चलो बताओ क्या मकसद है तुम्हारा? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सर। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। सर, जब आप किसी की सिर्फ आंखों में देखकर जज कर सकते हैं कि वो व्यक्ति अपराधी है या नहीं, तो जब प्रवीण ने आपकी बेटी को परेशान किया तो फिर आपके मन में ऐसा नहीं हुआ कि उसे जिंदा नहीं रहना चाहिए? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हुआ। हाँ बिल्कुल, आपने उसे मार डाला। मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जब पार्वती का 18वां जन्मदिन मनाया जा रहा था, उसी दिन ये योजना बनाई गई थी, क्योंकि अगली सुबह दलाल और दलाल कंपनी के एमडी के रूप में पार्वती को कारोबार संभालना था। सही कहा ना? अगर पार्वती जिंदा नहीं रहती तो इसकी जगह आप बन जाते कंपनी के हेड। अगर ये 50 लाख की मामूली सी रकम के लिए मार दी गई होती तब आप बन जाते नए एमडी, है ना? यू, मैंने तो सिर्फ संभावना जताई है, कंफर्म नहीं किया। दीनू इस परिवार के दूर के रिश्तेदार है, लेकिन इस परिवार में किसी और की तुलना में आपकी एक बेहतर स्थिति है। तो आपने इसे कैसे मैनेज किया? अपनी वफादारी से या ऐसे गंदे खेल खेलना? आप जानते हैं। तुम जानना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जो 50 लाख रुपए आप लोगों ने मुझे दिए थे वो इसी घर में पड़े हुए हैं। बताओ कैसे? इसी घर में? हाँ, इसी घर में। कल की रेड में मैंने वो पैसे इसी घर में पाए थे। चंदू आया। हेलो एवरीवन। हेलो, खोलो इसे। इस बार मैंने अच्छे से काउंट किया, पूरे 50 लाख हैं। क्योंकि आजकल वक्त बहुत बुरा चल रहा है, आजकल तो लोग अपने खून पे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। सही कह रहा हूँ ना मैं? हेलो मिस्टर थॉमस जैकब। थॉमस सर, जॉन सैमुअल अब कहाँ है? कौन जॉन सैमुअल? नहीं जानते? नहीं, अब... तो फिर उसकी बेटी लिसा को? लिसा, उसे लिसा? भी नहीं जानते? लेकिन मैं जानता हूँ, यहाँ और भी लोग उसे जानते हैं। मेरे 3 आदमी उसे यहाँ लेकर आए हैं। ये सारे मेरे करीबी दोस्त हैं। और ये है लिसा। बड़े साहब जी, कई संपत्ति जो आपको लगता है कि आपकी है वो सब इसके पिताजी के नाम पर है। कई लोग जो आपकी कंपनी में काम करते हैं पैसा चुराते हैं और इसे दे देते हैं। इन सब का आपस में क्या तालमेल है मिस्टर थॉमस? मैं नहीं जानता। तो फिर ये बताएंगे, क्या आप शादीशुदा हैं?
शादी हुई है ना? आपका इस परिवार से क्या संबंध है? वास्तव में इसका इस घर से कोई संबंध नहीं है, फिर भी ये इस घर से जुड़ी हुई है और इस घर के किसी एक आदमी से इसका संबंध है। कौन है वो आदमी? मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। तो फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? तुमने इसे यहाँ लाने के लिए इससे क्या कहा? हमने इसे यहाँ लाने के लिए इनसे झूठ बोलने के लिए नहीं कहा था। इसने एक छोटा सा झूठ बोला था। मैंने उसे कहा कि एक बॉम्ब ब्लास्ट में पूरे दलाल परिवार की मौत हो गई। ये सुनते ही लड़की तुरंत ऐसा ही करेगी, क्योंकि इस घर में कोई है जो इस महिला का पति है। ये शादीशुदा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये तुम्हारा पति नहीं, लेकिन ये आदमी तो शादीशुदा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये तुम्हारा पति नहीं हो सकता। और बचा ये आदमी। मैं वो नहीं हूं। फिर कौन है? जवाब दो। बस करो। तुम उस औरत का रिश्ता बाद में तय करना, पहले ये बताओ तुम्हारा क्या संबंध है। मैं क्या पूछ रहा हूं, तुम्हारा इस परिवार से क्या संबंध है? क्या तुमने हमसे झूठ नहीं कहा कि तुम दोनों ने शादी कर ली है? जिस दिन तुम यहां आए थे उसी दिन गिरफ्तार कर सकता था, लेकिन नहीं किया, क्योंकि इन्हें तुम पर भरोसा था कि तुम इनकी बेटी के पति हो, और मैं भी जानना चाहता था कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। तो आपको मेरा मकसद पता चला? तुम्हारा मकसद बिल्कुल साफ है बेटा, ये तुम्हें धोखा दे रहा है। प्रोटेक्शन देने के बहाने ये तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। दिखता नहीं है, इसके जो भी दोस्त यहाँ पर हैं वो सब के सब क्रिमिनल हैं। उन्हीं में से एक का नाम था प्रवीण। इन सब ने मिलकर एक चाल चली और उसमें तुम बुरी तरह से फंस गई। प्रवीण की मदद से इस शिवराम ने तुमसे 50 लाख रुपए लूटे, मैं इसका गवाह हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत चालाकी से मैंने इसका एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। सर, इसे टीवी से कनेक्ट करो। सर, देखा आपने, ये वीडियो इस बात का सबूत है कि शिवराम ने ही पैसे लिए थे। मुझे लगता है कि इसके दिमाग में कोई बड़ी योजना थी, यही सोचकर इसने पैसे वापस कर दिए। पार्वती, इस अपराधी के लिए तुमने हम लोगों पर शक किया? तुमसे सिर्फ एक गवाही चाहिए ताकि इसे गिरफ्तार कर सके। बताओ, ये तुम्हारा पति नहीं है ना? बोलो बेटी, मुझे सच बताओ, राम तुम्हारा पति है क्या? हाँ। पुलिस से सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है, हमारे पास बहुत से तरीके हैं जिससे ये सारा सच उगल देगा। ले चलो इसे। रुको, ये सच है कि आपने सबूत देखा, लेकिन आपने पूरा सच नहीं देखा। इस कार के पीछे कुछ समय तक इसे किसी ने नहीं देखा। जब ये कार के पास पहुंचा तो सूटकेस इसके बाएं हाथ में था, लेकिन जब ये कार के पीछे से बाहर आया तो दाहिने हाथ में सूटकेस कैसे आ गया? कार के पीछे ही इसने सूटकेस बदल दिया। मैंने सच कहा ना थॉमस जैकब? जवाब दो। भाई सुधीश, क्या दोषियों को समय पर पकड़ना तुम्हारी और तुम्हारी पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी? भैया, इन लोगों को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल था। सुनो, बेहतर यही होगा कि मेरा भाई जो तुमसे पूछ रहा ना, उसका बिल्कुल सही सही जवाब देना, वरना मेरे गुस्से को जानते हो। जो भी सच तुम जानते हो सबको बता दो, अगर अपनी सेहत नहीं बिगाड़ना चाहते हो तो बताओ। हमें जानकारी मिली थी कि प्रवीण के पास 50 लाख रुपए थे। हमें जानकारी मिली थी कि प्रवीण के पास 50 लाख रुपए थे। क्या इतना ही जानते हो? और उसी दिन सुशील की हत्या कर दी गई थी। हाँ, उसके बाद? नहीं नहीं, बस मुझे इतना ही पता है। ठीक है, ओके। अब तुम मुझे बताओ, क्या प्रवीण उस कार के अंदर था? दरअसल सुशील प्रवीण का पीछा कर रहा था, मेरा नहीं। अकेला सुशील ही जानता था कि प्रवीण ने किससे पैसे दिए थे और इसी वजह से सुशील की हत्या की गई थी। इस सच्चाई को दो लोग और जानते थे,
कि प्रवीण और सुशील को मारने वाला कौन है, और इस सच को दो लोग जानते थे, उनमें से एक आदमी हो तुम, तो उसका अगला टारगेट तुम हो गए। अगर तुमने सच कहा तो तुम अपनी जान बचा सकते हो। तो बताओ उस कार के पीछे क्या हुआ था, बताओ। सर प्रवीण ने यह किसके लिए किया था? क्या प्रवीण ने यह तुम्हारे साथ शेयर नहीं किया? किया था। तो बताओ कौन था वो? वो महेश बाबू थे। यस। टॉम, एक शब्द मत बोलना। मैं बोलूंगा, मैं जरूर बोलूंगा। मुझे आप सबको एक राज बताना था। वो भी इस लड़की के बारे में। बोलो। ये सुनकर आप लोग चौंकना मत, चौंकना मत। हाँ, क्या आप इस लड़की को देख सकते हैं? क्या आप देख सकते हैं? क्या सब लोग देख सकते हैं? क्या आप उसे देख सकते हैं सर? हाँ देख सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, वहाँ कोई लड़की खड़ी नहीं है, वो आप सबका एक भ्रम है। चौंक गए ना, चौंक गए ना। हम सब चौंक गए। वो लड़की वहाँ नहीं है, लेकिन ये लड़की यहाँ है। मैडम आप यहाँ कैसे? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम इस घर में नौकर हो ना चिदम्बरम, तो फिर तुम जमींदार कैसे बन गए? ये मेरे द्वारा चली गई चाल थी। तो फिर ये तुम्हारी चाल थी? मतलब जब मैं खेती करता था तब गर्मी से बचने के लिए अपने सर पर पगड़ी बांधता था, तब से लोग मुझे जमींदार कहने लगे। और फिर मैंने अपनी अगली चाल चली और मैंने दो शादियां की, लेकिन मैंने एक पैसा भी कभी चोरी नहीं किया। मैं एक एक पैसा मैडम के खाते में डालता था। तो तुम इस मैडम को जानते हो? तो क्या तुम्हें पता है वो किसकी बेटी है? बताओ किसकी बेटी है? जॉन सैमुअल की बेटी है। जॉन सैमुअल की बेटी लिसा का इस परिवार से क्या संबंध है? ये तो नहीं जानता। ये महेश बाबू की पत्नी है, ये तो मैं भी नहीं जानता। सर वो झूठ। तुझे तो भाई, जब पैसों का लेन देन हुआ और जब सुशील मारा गया था तब आप कहीं दिखाई नहीं दिए। क्या आप शहर में नहीं थे? नहीं, मैं यूएस में था। आपने सभी को यही बताया था, लेकिन इसमें एक समस्या है भाई। पासपोर्ट की समस्या, अंग्रेजों की एक समस्या है। चाहे आप अमेरिका जाएं या वापस आएं, वे पासपोर्ट पर मुहर लगाते हैं, इमिग्रेशन सील। वो इस पासपोर्ट पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है भाई। वो मैं, मुझे ये कल की छापेमारी में मिला था सर। नहीं मतलब इस पर तो कोई सील नहीं है महेश। आपने कहा भाई कि आप अमेरिका में हैं, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे थे? अरे नहीं, हमें मत बताओ, नहीं बताओ। पर यहाँ कुछ लोग हैं जो सच जानते हैं, अब वो बताएंगे। थॉमस सर, आपके पैरों में कितनी उंगलियां हैं? चार। चार हैं? बोलो चार है ना जी। जहां सुशील की मौत हुई थी वहां मुझे थॉमस के पैरों के निशान मिले थे, अब ये वहां कैसे पहुंचा? इसका सबूत मेरे पास है। बोलो थॉमस सर, नहीं तो पुलिस उगलवा लेगी। क्या तुम प्रवीण का पीछा नहीं कर रहे थे? जब उसने तुम्हें पैसे सौंप दिए तो फिर पीछा क्यों कर रहे थे? वो इसलिए, मुझे पता लगाना था कि उसने पैसे किसको दिए हैं। सुशील भी मेरा पीछा कर रहा था। और फिर वहां पर महेश भाई के पास प्रवीण पैसा लेकर गया था। तुम झूठ बोल रहे हो। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। तुम धोखेबाज हो। छोड़ दो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। चुप करो। तुम जानते थे कि महेश भाई कभी अमेरिका नहीं गए, तो तुमने अभी तक ये सच हमें बताया क्यों नहीं? इसलिए कि महेश बाबू से तुम्हें प्यार है या फिर तुम उनके कर्जदार हो? चलो बोल भी दो, फिर सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। तुम सब कुछ जानते हो, जल्दी बताओ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हाँ मुझे सब कुछ पता था। तो तुम जानते थे कि महेश बाबू कभी अमेरिका नहीं गए और वो इसी शहर में है? मैंने सच कहा ना दिनू? हाँ। जब महेश बाबू से पैसा एक्सचेंज किया जा रहा था तो थॉमस जैकब ने देखा। हाँ। फिर आप दोनों ये झूठ
सारे लोगों से क्यों बोल रहे थे बताएंगे? ताकि सारा इल्जाम महेश बाबू पर डालकर अपने आप को बचा लोगे, इसीलिए ना। बकवास मत कर। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? चुप हो जाओ नहीं तो बहुत मारूंगा। महेश बाबू अमेरिका गए थे ये सच है। चंदू। हाँ भाई आया। देखिए पासपोर्ट पर मुहर लगा पन्ना, मैंने ये पन्ना फाड़ दिया था, इसे उन्हें दे दो। हट। जब महेश अमेरिका में था तो फिर यहां कैसे हो सकता है बताओ? इन्हें पार्वती को खतरे में डालकर महेश पर सारा दोष डाल देना था ताकि ये कंपनी का एमडी बन सके। इसी वजह से सारे अपराध इसने खुद किए और सारा दोष डाल दिया महेश पर। ये महिला महेश की पत्नी है ऐसा इसने दिखाया। तुम्हारा सीक्रेट हस्बैंड एक धोखेबाज है जिसने परिवार को धोखा दिया। अब तुम इसे नहीं बचा सकती हो चाहे जितना भी झूठ बोलो, क्योंकि सच को कोई नहीं छुपा सकता। सच की हमेशा जीत होती है। यही है वो हत्यारा जो इस परिवार के सभी लोगों की हत्या करना चाहता था। चल बोल बोल बोल, बता। बताता हूं। बता। जब प्रवीण को डर लगा कि मैं उसे पकड़ लूंगा तो तुमने उसे भी मार डाला। चलो। हे भगवान। सर मैंने तो अपना काम कर दिया, अब मैं चलता हूं। तुमने मुझे बचा लिया राम, और इस परिवार को एक बड़े खतरे से भी। तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तो मत कीजिए, वैसे भी आपके पास शब्द नहीं है, लेकिन आपके गंजे सिर से पसीना आ रहा था। सर तुम मेरी बेटी के पति के रूप में मिले, मैं तुम्हें उसी रूप में पसंद करता हूं। अब ये मत कहना कि सच नहीं है। सर प्लीज ऐसा मत कहिए, वैसे भी मैं शादी नहीं करना चाहता क्योंकि घर पर कोई मेरा इंतजार कर रहा है। हम दोनों के बीच में एक अनोखा बंधन है सर, मैं अपना बाकी का जीवन उसी के साथ जीना चाहता हूं। पार्वती मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूं। पार्वती जिंदगी के कुछ अच्छे लम्हे, वो पल जो मैंने खो दिए थे वो तुमने मुझे वापस दिए। पार्वती उसके लिए थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हा हेलो। चलो अब हम चलकर अपनी दुकान चलाते हैं। अरे दे आप ताड़ी की दुकान नहीं चला सकते, आपको एक जज होना चाहिए, हमने डिसाइड किया है। सर वो लड़की। हे चंदू। अरे चंदू चलो बाइक स्टार्ट करो। शिवा प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारी साइड स्कूटर चलाने अब नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे अपनी साइड कार मिल गई है। इसे मुझे दो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे नहीं छोड़ सकता। चंदू साइड कार का ध्यान रखना। मीनाक्षी ऑल द बेस्ट।